अभी भी जिंदा है वनराम और कासिम चाचा। क्या केजीएफ के लोग हटाएंगे इसकी पिछली स्टोरी से पर्दा? आखिर शाम को क्यों नहीं पता केजीएफ की स्टोरी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे मेकर्स ने हमसे एल डोराडो की कहानी छुपा ली थी और बहुत ही चालाकी से हमें इसके आगे क्या हुआ ये नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवास आनंद के कहने पर श्याम और उसकी टीम को एल डोराडो की खोज में भेजता है और हमें नेक्स्ट मूवी में ये दिखाया जाता है, इसकी शुरुआत ही यहाँ से की जाती है कि श्याम ने वो एल डोराडो ढूंढ लिया है जिसकी बात आनंद कर रहे थे। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे गांव वाले आ जाते हैं जिनकी भीड़ को देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब इस फिल्म में तो इन्हें गांव वाले कहकर ही नोटिफाई किया गया है, लेकिन फिल्म के क्लाइमेक्स में हमें पता चलता है कि ये गांव वाले नहीं बल्कि केजीएफ की आर्मी है, यानी कि रॉकी की सेना। और एल डोराडो की बात को दोबारा निकालने की वजह से ये सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन अब इस सीन को यहीं पर कट कर दिया जाता है और इसके आगे क्या हुआ, उन गांव वालों ने, रॉकी की सेना ने उन ऑफिसर्स और शाम के साथ क्या किया, इसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई हमें। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सीन मेकर्स ने ऐसे ही बना दिया हो। इस सीन के पीछे छुपा हुआ है केजीएफ के थर्ड चैप्टर का राज। जी हाँ, और सबसे पहले तो जब ये गांव वाले श्याम और ऑफिसर से मिलते हैं तो वो उनसे यही पूछेंगे कि आखिर उन्हें इस जगह का पता कैसे चला और सबसे बड़ी बात, इस पत्थर के बारे में कैसे पता चला, जिसके जवाब में श्याम उनसे कहेंगे कि कैसे वो आनंद नाम के एक बड़े राइटर को जानते हैं जिन्होंने केजीएफ पर बुक लिखी है और वही सब ढूंढने वो यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि श्याम को अभी तक केजीएफ के बारे में, रॉकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आनंद की स्टोरी शुरू करने से पहले ही श्याम अपनी टीम को लेकर एल डोराडो की खोज में निकल चुका था। यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता कि रॉकी कौन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ पता नहीं चलेगा। वो गांव वाले उसे सब कुछ बताएंगे और यहाँ तक कि उसे ऐसी भी चीज़ें पता चलेंगी जो कि आनंद को या तो नहीं पता चली या तो वो चीज़ें अपनी बुक में नहीं लिख पाए होंगे। तो शाम को इस केजीएफ के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, रॉकी के बारे में भी सब कुछ बताया जाएगा। और देखने वाली बात यह है कि इस समय यहाँ पर वनराम और कासिम चाचा भी मौजूद हो सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट मूवी के एंड में देखा था कि वनराम और कासिम चाचा भी उन लोगों के साथ ही वहीं पर बस जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इस समय उस भीड़ में वो भी मौजूद हों और वो भी इस कहानी का हिस्सा बने। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी आगे से स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हो सकता है कि कासिम चाचा अभी तक ना हो और इस कहानी में उनका कोई रोल ना दिखाया जाए। अब सोचने वाली ये बात है कि ऐसी कौन सी बात है जो उन लोगों ने शाम को बताई और ऐसी कौन सी बात है जो कि आनंद अपनी बुक में नहीं लिख सके। इन सब का जवाब आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या केजीएफ यूनिवर्स में होगी एक और फिल्म की एंट्री? विलन के रोल के लिए किसे किया गया है अप्रोच? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। एक फिल्म जो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि करोड़ों लोगों से जुड़ा एक इमोशन है। एक फिल्म जो एक मामूली फिल्म नहीं बल्कि लोगों के दिलों में जलने वाली आग है। आई एम श्योर आप सब पहचान गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं। जी हाँ, वही फिल्म जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बेहतरीन पेशकश है, और वो है केजीएफ। जब से लोगों ने केजीएफ 2 के क्रेडिट सीन में केजीएफ चैप्टर 3 की झलक देखी है, तब से ही लोग इसका इंतजार कर रहे हैं और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत ही जल्द हमें ये फिल्म सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। वैसे अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। केजीएफ की आंधी ने बॉक्स ऑफिस के सभी पिछले रिकॉर्ड्स को मिट्टी में मिला दिया था। वहीं डायरेक्टर प्रशांत नील भी इस सीरीज को एक सक्सेसफुल यूनिवर्स बनाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। जहां एक तरफ इस सीरीज में सालार को जोड़कर इसकी चेन को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं अब इस यूनिवर्स में हुई है एक और नई एंट्री। जी हाँ दोस्तों, प्रशांत नील साउथ सुपरस्टार श्री मुरली के साथ बगीरा नाम की एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसे वो इसके लिए यूनिवर्स में एड करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म में रॉकी भाई का कैमियो रोल हो सकता है। बता दें कि ये फिल्म केजीएफ चैप्टर 3 के बाद ही रिलीज की जाएगी और इस फिल्म के एंड में मेकर्स केजीएफ 4 का क्लू दे सकते हैं। हालांकि अभी तक डायरेक्टर प्रशांत नील काफी सीक्रेटली काम कर रहे हैं और इन सब की प्लानिंग कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक इसे लेकर कोई भी स्टेटमेंट तो नहीं दी है। अब हमने आपको इस फिल्म के बारे में इतना कुछ बता दिया है, तो चलिए लगे हाथों आपको और एक अपडेट दे देते हैं।
दरअसल ये नया अपडेट है फिल्म के विलन को लेकर। सुनने में आ रहा है कि इस बार केजीएफ के विलन के लिए बाहुबली फेम राणा दग्गुबाती को अप्रोच किया गया है। राणा दग्गुबाती एक विलन के रोल को कितने अच्छे से निभाते हैं ये हम ऑलरेडी बाहुबली में देख चुके हैं। हालांकि अभी तक राणा दग्गुबाती ने इस रोल के लिए हाँ तो नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उनकी और रॉकी भाई की फाइट देखने लायक होगी। दोस्तों आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जरूर जुड़े रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्या सच में अभी भी मौजूद है सोना? क्या रॉकी आएगा वापस? केजीएफ की धमाकेदार बॉक्स ऑफिस विक्ट्री के बाद केजीएफ का फैंडम अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है और अब फैंस को इंतजार है इस फिल्म के थर्ड इंस्टॉलमेंट यानी केजीएफ चैप्टर 3 का, जिसका हिंट या यूं कहें खुलेआम अनाउंसमेंट मेकर्स ने केजीएफ चैप्टर 2 में ही फिल्म के एंडिंग सीन के थ्रू कर दी है। फिलहाल प्रशांत नील ने केजीएफ की मेकिंग से ले लिया है ब्रेक और बाकी रीजनल सिनेमा को कर रहे हैं एक्सप्लोर। यानी कि प्रशांत नील तमिल और तेलुगु सिनेमा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जबकि फैंस का मानना है कि ये केजीएफ के सिनेमैटिक यूनिवर्स की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ यश भी अपनी बाकी फिल्मों में बिजी नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो केजीएफ 3 का आना जितना ही तय है उतना ही सच ये भी है कि 2024 तक इस फिल्म की शूटिंग शायद स्टार्ट ना हो। हालांकि ये हम और आप दोनों ही जानते हैं कि इसकी स्टोरी लाइन पर काम जरूर चलता रहेगा, पर जितने इस फिल्म ने केजीएफ चैप्टर 3 के लिए सवाल खड़े किए हैं उतने ही केजीएफ की रियल हिस्ट्री को लेकर भी किए हैं। हालांकि फिल्म में हमें दिखाया गया है कि कैसे केजीएफ अपने आप में एक एम्पायर था जहां लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, कैसे उसे खोजने वाले ने आर्ट और माइंस को छुपा कर रखा था ताकि उसके आने वाली जनरेशंस भी इस माइंस को यूज कर पाए और उसका साम्राज्य फलता फूलता और पनपता रहे। पर क्या ये सच है? तो आपको बता दें कि केजीएफ की हिस्ट्री काफी पुरानी है, राजाओं महाराजाओं से भी पहले की। जी हाँ, केजीएफ की खोज 2nd सेंचुरी में ही हो चुकी थी। इसके बाद इसने कई साम्राज्यों का उदय भी देखा और पतन भी। महान डायनेस्टी चोल डायनेस्टी की अभी चर्चा तो आपने सुनी ही होगी, जिसका ताल्लुक PS1 मूवी से है। उस चोल डायनेस्टी ने भी इस कोलार माइंस पर कई सालों तक राज किया था। इतने सालों में करीब 900 टन सोना कोलार माइंस से निकाला गया और कई डायनेस्टी ने इसका काफी लुत्फ भी उठाया और अभी भी इन माइंस में सोना बचा हुआ है, पर गोल्ड की लोअर प्राइस रेट देखते हुए इस माइन को बंद कर दिया गया। रही बात फिल्म में दिखाए जाने वाले गुलामों की, तो हाँ कुछ हद तक ये सही है, पर सिर्फ अंग्रेजों यानी ब्रिटिशर्स के राज तक, जो कि पूरा देश ही अंग्रेजों के गुलामी के अधीन था। तो ये समझना भी मुश्किल नहीं कि कैसे गोल्ड माइंस में ब्रिटिशर्स ने गुलामों से काम कराया होगा और उन्हें किसी हाल में रखा होगा। और बात रही अधीरा रॉकी जैसे कैरेक्टर्स की, तो भाई ये आप भी जानते हैं कि ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन और मेटा ह्यूमन जैसी छवि को डिपेक्ट करते हैं, जहां हमारा रॉकी हीरो है और जीत भी उसी की होगी। तो रियल लाइफ में तो ऐसे कैरेक्टर्स शायद ना हो, पर हाँ अगर हम बात करें केजीएफ की हिस्ट्री की, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स और राजा महाराजा का भी शासन केजीएफ ने देखा हुआ है, यानी केजीएफ की हिस्ट्री में ऐसा कैरेक्टर्स रहे तो होंगे। अब बात आती है कि अगर केजीएफ 3 का आना तय है और इसका मेन हीरो रॉकी है, तो मेकर्स ने रॉकी को एंड सीन में मार क्यों डाला? तो इसके सवाल में ही जवाब है, रॉकी कभी हार नहीं मानता। वो चाहता तो इंडिया सी में इंडियन नेवी के द्वारा वो मारा जा सकता था, फिर भी उसने 3 देशों के मरीन बॉर्डर्स पर जाने का क्यों सोचा? इसकी जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि रॉकी एक मास्टर प्लानर है और उसके रिश्ते गल्फ कंट्रीज से भी थे, यानी रॉकी के इस डिसीजन के पीछे भी उसकी कोई प्लानिंग है। वो इतना सारा सोना आखिर इंडिया में, वो भी कोलार में तो नहीं रखने वाला था, ये शुरू से तय था। यानी कि उसका सी में डूबना उसके नेक्स्ट प्लानिंग की तरफ इशारा करता है, यानी कि रॉकी का इंटरनेशनल एम्पायर खड़ा करना। इसलिए उसे कोलार के सारे गोल्ड माइंस निकालने की जल्दी थी। रही बात की रॉकी तो डूब चुका था, तो जैसे कि हमने आपको बताया और फिल्म में भी हमने देखा है कि रॉकी और अधीरा जैसे कैरेक्टर्स किसी सुपर ह्यूमन और मेटा ह्यूमन जैसी वाइब्स देते हैं, और प्रशांत नील ने भी इन्हें ऐसा ही रिप्रेजेंट किया है, जो कि जलती हुई आग से निकल जाते हैं, एक पूरे के पूरे एम्पायर को अकेले ही टेक ओवर कर लेते हैं। तब ये मानना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि उसके गल्फ और फॉरेन एसोसिएट्स या रॉकी के हेंसमैन उसे जरूर नचाएंगे, और फिर रॉकी अपना एम्पायर फॉरेन से कंटिन्यू करते हुए रमिका सेन पर वापस से स्ट्राइक करेगा और साथ ही अपने सभी दुश्मनों पर भी। और कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी केजीएफ चैप्टर 3 की स्टोरी। आप केजीएफ पर हुआ केस, क्या केजीएफ है रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी?
किसने किया था केजीएफ पर केस। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आप लोगों ने केजीएफ 1 और केजीएफ 2 देख ली है तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। केजीएफ 1 में मुंबई का एक गैंगस्टर जो कि एक अनाथ होता है और अपने एटीट्यूड के दम पर मुंबई पर राज करता है और उसकी शिकायत इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उसे कर्नाटक के बैंगलोर में बुलाकर केजीएफ में यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड भेज दिया जाता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, असल में एक जगह है जो 90s के टाइम पर काफी चर्चा में रही थी, जहां पर सोने की माइनिंग पर काम चलता था। और केजीएफ 2 की जो मूवी है वो ये कहानी आगे बढ़ाती है कि किस प्रकार से मुंबई का वो लड़का अब बड़ा होकर पूरे भारत का नेशनल इशू बन गया है और पूरे गोल्ड पर कब्जा कर चुका है। और अब केजीएफ चैप्टर 3 में हमें उसके इंटरनेशनल क्राइम देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये कहानी है केजीएफ चैप्टर 1 और 2 की और आने वाली 3 की, लेकिन असल में ये कहानी क्या किसी सच्ची घटना पर है, क्या केजीएफ में सच्चाई है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जब केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी तो उसके पोस्टर में लिखा था द इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। जी हाँ, आपने सही सुना, वहाँ पर इस कहानी को सच बताया गया है। लेकिन उसके बाद में हमें जो नए पोस्टर मिले केजीएफ मूवी के, उसमें ये ट्रू इवेंट वाली लाइन हटा दी गई थी। अब ऐसे क्यों हुआ, तो चलिए आपको बताता हूँ। दरअसल एक थंगम नाम का अपराधी 90s के दशक में खूब फैला करता था, जिसने असल में केजीएफ में बहुत हड़कंप मचाए थे, वहाँ पर सोना इकट्ठा करके और फिर बैंकों से लाखों का गोल्ड भी चुराया था, जिस वजह से 1997 तक कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसे हम केजीएफ में एज ए रवीना टंडन पोर्ट्रेट कर सकते हैं, पुलिस के साथ झड़प में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। और जो थंगम की माँ है, जिसका नाम पोलिना था, और इसीलिए थंगम ने अपनी गैंग का नाम पोली गैंग रखा था, क्योंकि थंगम अपनी माँ को अपनी इंस्पिरेशन मानता था। बचपन में उसकी माँ के साथ जो भी प्रॉब्लम हुई थी उसको देखते हुए उसने सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हालांकि केजीएफ में दिखाया गया है कि रॉकी भाई की माँ पहले ही चैप्टर में एक्सपायर हो चुकी हैं, लेकिन जो थंगम की माँ है वो अभी भी जिंदा है। और केजीएफ चैप्टर 1 देखने के बाद उन्होंने डायरेक्टर प्रशांत नील और केजीएफ पर कोर्ट में केस भी किया था और कोर्ट में कहा था कि इस फिल्म में मेरे बेटे थंगम की छवि को बहुत बुरी तरीके से दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद प्रशांत नील ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये कहानी सच्ची नहीं है, आप इसे एक फिक्शनल मूवी कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई में दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 1 का जो पोस्टर था उसमें लिखा हुआ था बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, लेकिन याचिका दायर होने के बाद उस पोस्टर से हटा दिया गया और उसके बाद से कहानी को फिक्शनल बना दिया गया। लेकिन अब भी कई सारे सोर्सेज का मानना है कि केजीएफ की कहानी थंगम पर ही बेस्ड है, जिसने अपनी माँ के कहने पर पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। हालांकि 25 साल की उम्र में उसका एनकाउंटर हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या केजीएफ की कहानी रियल में रियल स्टोरी पर बेस्ड है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए बॉलीग्रैड YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। आपसे मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्यों अमेरिका और इंडोनेशिया पड़े हैं रॉकी के पीछे, कहां जाएगा ये सारा सोना, कौन करेगा रॉकी की मदद? हेलो, मैं हूं पूर्णिमा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज। केजीएफ एक ऐसी सीरीज है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप सभी ने केजीएफ 2 तो देखी ही होगी और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि केजीएफ का थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर केजीएफ चैप्टर 2 की इतनी मैसिव हिट के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील केजीएफ का अगला चैप्टर लाने से खुद को कैसे रोक सकते हैं भला? उन्होंने अगर ऐसा सोचा भी तो केजीएफ सीरीज की जो फैन फॉलोइंग है ना, उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। तो चलिए आज हम केजीएफ के आने वाले नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। प्रशांत नील ने जिन सभी सवालों को केजीएफ चैप्टर 2 में छोड़ा था, उन सभी सवालों के जवाब हमको चैप्टर 3 में देखने को मिलेंगे। वैसे तो फिल्म की कहानी किस थ्योरी पर बेस्ड होगी ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील जो है उन्होंने अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म एक थ्योरी बेस्ड फिल्म होने वाली है। आज हम आपको उसी थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। अब ये तो आप सब जानते हैं कि प्रशांत नील की सभी फिल्में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आपने केजीएफ के पहले चैप्टर में देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अपने रॉकी भाई होते हैं। केजीएफ के चैप्टर 2 में वो भारत पर तो राज कर ही लेते हैं, लेकिन दुनिया अभी बाकी है, जिसकी कमी वो चैप्टर 3 में पूरी करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको फिल्म की कहानी सुनाते हैं।
केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत चैप्टर 2 के एंड से ही होगी। आपने देखा था कि फिल्म के एंड में रॉकी भाई समुद्र में डूब जाते हैं, यहीं से इस नए चैप्टर की शुरुआत होगी। आप सभी को लगा था कि रॉकी भाई जो है वो समुद्र में डूब के मर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉकी भाई को बचाने के लिए अमेरिका की सबमरीन्स नीचे समंदर में उनका इंतजार कर रही होती हैं, जिसका मतलब तो यही है ना कि रॉकी भाई की ये मौत एक प्लान्ड एक्शन थी। जैसे ही रॉकी भाई डूबते हैं, अमेरिका से आई हुई सबमरीन्स उन्हें बचा लेती है। ये सबमरीन और किसी की नहीं बल्कि अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन जिमी कार्टर की होती है। आप सभी ने केजीएफ चैप्टर 2 में जिमी कार्टर को तो देखा ही होगा, इनकी एक छोटी सी झलक पहले ही दिखाई जा चुकी है। मेकर्स इस फिल्म सीरीज के चैप्टर्स को आपस में जोड़ने के लिए पहले ही जिमी कार्टर को इस सीरीज में ऐड कर चुके हैं, और अब पार्ट 3 में जिमी एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो जिमी कार्टर अपने रॉकी भाई को ना अपने साथ अमेरिका लेकर जाते हैं। चैप्टर 2 में ही रॉकी भाई ने जिमी से काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी, और अमेरिका जाने के बाद उसने वहाँ की सबसे बड़ी सोने की खदान डेविस गोल्ड फील्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। उसने जिमी को बताया कि वो अमेरिका और इंडोनेशिया के सारे सोने पर अपना नाम लिखवाना चाहता है, जिसके लिए उसे सबमरीन्स की मदद लगेगी, और इसके बदले में वो उसको इंडिया में सबमरीन बिजनेस लॉन्च करने में हेल्प कर सकता है। जिमी इस बात के लिए फटाफट मान जाता है, उसके लिए सबमरीन्स का बिजनेस बहुत मायने रखता है। वो आज जो भी कुछ है ना, वो सिर्फ अपने सबमरीन्स के बिजनेस की वजह से ही था। इसलिए जब उसे लगा कि रॉकी भाई उसे इंडिया में काफी प्रॉफिट दिलवा सकते हैं, तो वो उन्हें मना नहीं कर पाया और उन्होंने हाँ कर दी। अब रॉकी भाई अपना प्लान शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में रॉकी भाई अपनी सारी सेना खड़ी करते हैं। वो सबमरीन्स की मदद से इंडिया से अपने आदमियों को अमेरिका बुला लेते हैं, और यहाँ अपने आदमियों को टॉप क्वालिटी की अटैकिंग ट्रेनिंग दिलवाते हैं। जिमी की मदद से रॉकी भाई अमेरिका में भी काफी सेना खड़ी कर लेता है, और इसी तरह वो इंडोनेशिया में भी ट्रेनिंग शुरू करवाता है। अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए रॉकी भाई एक साथ कई जगहों पर इलीगल तरीके से सोना चुराने की प्लानिंग शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ रॉकी भाई को सोना लेना था, वहाँ वहाँ पर उन्होंने लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अमेरिका और इंडोनेशिया क्या बल्कि पूरे देश में इलीगल क्राइम की कड़ियाँ जोड़ते हुए रॉकी भाई नजर आएंगे। अमेरिकन गवर्नमेंट की आंखों के नीचे से रॉकी डेविस गोल्ड फील्ड का सारा सोना सबमरीन्स में भरवा लेता है, लेकिन अमेरिका से उसे निकालना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि बॉर्डर पर उसे आर्मी रोक लेती। इसके लिए रॉकी भाई ने एक उल्टा कदम अपनाया, उन्होंने अमेरिका के प्रिंस हेनरी स्मिथ को किडनैप कर लिया। हेनरी स्मिथ अमेरिका की क्वीन का पोता था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। रॉकी भाई सीना थोक कर बोलने लगे कि अगर उन्होंने उनकी सबमरीन्स पास नहीं होने दी तो वो प्रिंस हेनरी को मार डालेंगे। मजबूरन अमेरिकन गवर्नमेंट को छुपना ही पड़ा, और बिना किसी को बताए रास्ता चेंज कर कर रॉकी भाई सबमरीन्स को अमेरिका से पास करवा लेते हैं। इधर वो प्रिंस हेनरी को एक घर में बंद कर देते हैं, और अमेरिकन गवर्नमेंट और आर्मी को प्रिंस को ढूंढने के पीछे लगा देते हैं ताकि उस पर किसी की नजर ना जा पाए। अब जैसे ही जो हमारे रॉकी भाई हैं वो अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो वो प्रिंस हेनरी को एक सबमरीन के जरिए अमेरिका में वापस भेज देते हैं। अब जो हमारे रॉकी भाई हैं, चाहे कितने भी बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन बच्चों और महिलाओं के लिए उनके दिल में कितना प्यार है, ये हम पहले ही चैप्टर में देख चुके हैं। इसी तरह एक एक करके रॉकी भाई इंडोनेशिया, ईरान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम समेत दुनिया के 16 देशों के सोने को चुरा लेते हैं। इस पल में आपको रॉकी देश विदेश में इलीगल तरीके से सोना चुराते हुए नजर आएगा, और पूरे वर्ल्ड में अपना क्राइम फैलाने वाला है। केजीएफ चैप्टर 2 में जैसे क्राइम्स करते हुए रॉकी इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बन जाता है, ठीक उसी तरह केजीएफ के इस आने वाले चैप्टर में रॉकी गोल्ड का इलीगल बिजनेस और सप्लाई करते हुए नजर आएगा। साथ ही इनायत खलीफ, जिसको केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई ने जिंदा छोड़ दिया था, आपको इस फिल्म में उसकी भी एंट्री देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि इनायत खलीफ केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई के हाथों मारा भी जाए। केजीएफ चैप्टर 3 एक और भी ज्यादा बड़े बजट की फिल्म होने वाली है, क्योंकि फिल्म में इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंट्रीज की शूटिंग दिखाई जाएगी, जो कि पूरी तरह से एक हॉलीवुड शूट जैसी होने वाली है। साथ ही अगर फिल्म के VFX और एक्शन की बात करें तो वो इस बार काफी टॉप रेटेड देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से मेकर्स केजीएफ चैप्टर 3 की तैयारियां कर रहे हैं, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि वो रॉकी भाई को और भी ज्यादा बड़े लेवल का क्रिमिनल दिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका खौफ पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। आपको अगर याद हो तो केजीएफ के चैप्टर 1 में रॉकी ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन दुनिया पर राज करेगा,
और अब केजीएफ के आने वाले पार्ट्स में रॉकी ऐसा ही करते हुए हमें नजर आने वाला है। वैसे प्रशांत नील केजीएफ की फ्रेंचाइज को बंद करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वो हर पार्ट में उसके आने वाले चैप्टर का जिक्र छोड़ देते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। जी हाँ, चैप्टर 3 में आपको बहुत सारे हिंट्स देखने को मिलेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 भी देखने को मिलने वाला है और वो भी लाइन पे है। हालांकि इस फिल्म की कहानी को लेकर डायरेक्टर ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। क्यों अमेरिका और इंडोनेशिया पड़े हैं रॉकी के पीछे? कहां जाएगा ये सारा सोना? कौन करेगा रॉकी की मदद? हेलो, मैं हूं पूर्णिमा एंड वेलकम और वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। KGF एक ऐसी सीरीज है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप सभी ने KGF 2 तो देखी ही होगी और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि KGF का थर्ड पार्ट भी बहुत जल्द सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। और ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर KGF चैप्टर 2 की इतनी मैसिव हिट के बाद डायरेक्टर प्रशांत नील KGF का अगला चैप्टर लाने से खुद को कैसे रोक सकते हैं भला? उन्होंने अगर ऐसा सोचा भी तो KGF सीरीज की जो फैन फॉलोइंग है ना, उन्हें ऐसा करने नहीं देगी। तो चलिए आज हम KGF के आने वाले नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं। प्रशांत नील ने जिन सभी सवालों को KGF चैप्टर 2 में छोड़ा था, उन सभी सवालों के जवाब हमको चैप्टर 3 में देखने को मिलेंगे। वैसे तो फिल्म की कहानी किस थ्योरी पर बेस्ड होगी ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि डायरेक्टर प्रशांत नील जो है उन्होंने अब तक इस पर चुप्पी साधी हुई है। लेकिन फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये फिल्म एक थ्योरी बेस्ड फिल्म होने वाली है। आज हम आपको उसी थ्योरी के बारे में बताने जा रहे हैं। अब ये तो आप सब जानते हैं कि प्रशांत नील की सभी फिल्में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। आपने KGF के पहले चैप्टर में देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता है कि वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अपने रॉकी भाई होते हैं। KGF के चैप्टर 2 में वो भारत पर तो राज कर ही लेते हैं, लेकिन दुनिया अभी बाकी है, जिसकी कमी वो चैप्टर 3 में पूरी करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको फिल्म की कहानी सुनाते हैं। KGF चैप्टर 3 की शुरुआत चैप्टर 2 के एंड से ही होगी। आपने देखा था कि फिल्म के एंड में रॉकी भाई समुद्र में डूब जाते हैं, यहीं से इस नए चैप्टर की शुरुआत होगी। आप सभी को लगा था कि रॉकी भाई जो है वो समुद्र में डूब के मर जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉकी भाई को बचाने के लिए अमेरिका की सबमरीन्स नीचे समंदर में उनका इंतजार कर रही होती है, जिसका मतलब तो यही है ना कि रॉकी भाई की ये मौत एक प्लान्ड एक्शन थी। जैसे ही रॉकी भाई डूबते हैं, अमेरिका से आई हुई सबमरीन उन्हें बचा लेती है। ये सबमरीन और किसी की नहीं बल्कि अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन जिमी कार्टर की होती है। आप सभी ने KGF चैप्टर 2 में जिमी कार्टर को तो देखा ही होगा, इनकी एक छोटी सी झलक पहले ही दिखाई जा चुकी है। मेकर्स इस फिल्म सीरीज के चैप्टर्स को आपस में जोड़ने के लिए पहले ही जिमी कार्टर को इस सीरीज में ऐड कर चुके हैं और अब पार्ट 3 में जिमी का एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। तो जिमी कार्टर अपने रॉकी भाई को ना अपने साथ अमेरिका लेकर जाते हैं। चैप्टर 2 में ही रॉकी भाई ने जिमी से काफी अच्छी दोस्ती कर ली थी और अमेरिका जाने के बाद उसने वहाँ की सबसे बड़ी सोने की खदान डेविस गोल्ड फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया। उसने जिमी को बताया कि वो अमेरिका और इंडोनेशिया के सारे सोने पर अपना नाम लिखवाना चाहता है, जिसके लिए उसे सबमरीन्स की मदद लगेगी और इसके बदले में वो उसको इंडिया में सबमरीन बिजनेस लॉन्च करने में हेल्प कर सकता है। जिमी इस बात के लिए फटाफट मान जाता है। उसके लिए सबमरीन्स का बिजनेस बहुत मायने रखता है। वो आज जो भी कुछ है ना, वो सिर्फ अपने सबमरीन्स के बिजनेस की वजह से ही था। इसलिए जब उसे लगा कि रॉकी भाई उसे इंडिया में काफी प्रॉफिट दिलवा सकते हैं, तो वो उन्हें मना नहीं कर पाया और उन्होंने हाँ कर दी। अब रॉकी भाई अपना प्लान शुरू करते हैं। सबसे पहले अमेरिका में रॉकी भाई अपनी सारी सेना खड़ी करते हैं। वो सबमरीन्स की मदद से इंडिया से अपने आदमियों को अमेरिका बुला लेते हैं और यहाँ अपने आदमियों को टॉप क्वालिटी की अटैकिंग ट्रेनिंग दिलवाते हैं। जिमी की मदद से रॉकी भाई अमेरिका में भी काफी सेना खड़ी कर लेता है और इसी तरह वो इंडोनेशिया में भी ट्रेनिंग शुरू करवाता है। अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए रॉकी भाई एक साथ कई जगहों पर इलीगल तरीके से सोना चुराने की प्लानिंग शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ रॉकी भाई को सोना लेना था, वहाँ वहाँ पर उन्होंने लोगों की ट्रेनिंग शुरू कर दी। अमेरिका और इंडोनेशिया क्या, बल्कि पूरे देश में इलीगल क्राइम की कड़ियाँ जोड़ते हुए रॉकी भाई नजर आएंगे।
अमेरिकन गवर्नमेंट की आंखों के नीचे से रॉकी डेविस गोल्ड फील्ड का सारा सोना सबमरीन्स में भरवा लेता है, लेकिन अमेरिका से उसे निकालना इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि बॉर्डर पर उसे आर्मी रोक लेती। इसके लिए रॉकी भाई ने एक उल्टा कदम अपनाया, उन्होंने अमेरिका के प्रिंस हेनरी स्मिथ को किडनैप कर लिया। हेनरी स्मिथ अमेरिका की क्वीन का पोता था। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। रॉकी भाई सीना थोक कर बोलने लगे कि अगर उन्होंने उनकी सबमरीन पास नहीं होने दी तो वो प्रिंस हेनरी को मार डालेंगे। मजबूरन अमेरिकन गवर्नमेंट को छुपना ही पड़ा और बिना किसी को बताए रास्ता चेंज कर रॉकी भाई सबमरीन को अमेरिका से पास करवा लेते हैं। इधर वो प्रिंस हेनरी को एक घर में बंद कर देते हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट और आर्मी को प्रिंस को ढूंढने के पीछे लगा देते हैं ताकि उस पर किसी की नजर ना जा पाए। अब जैसे ही जो हमारे रॉकी भाई हैं वो अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो वो प्रिंस हेनरी को एक सबमरीन के जरिए अमेरिका में वापस भेज देते हैं। अब जो हमारे रॉकी भाई हैं चाहे कितने भी बड़े क्रिमिनल क्यों ना हो, लेकिन बच्चों और महिलाओं के लिए उनके दिल में कितना प्यार है ये हम पहले ही चैप्टर में देख चुके हैं। इसी तरह एक एक करके रॉकी भाई इंडोनेशिया, ईरान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम समेत दुनिया के 16 देशों के सोने को चुरा लेते हैं। इस पल में आपको रॉकी देश विदेश में इलीगल तरीके से सोना चुराते हुए नजर आएगा और पूरे वर्ल्ड में अपना क्राइम फैलाने वाला है। केजीएफ चैप्टर 2 में जैसे क्राइम्स करते हुए रॉकी इंडिया का बिगेस्ट क्रिमिनल बन जाता है, ठीक उसी तरह केजीएफ के इस आने वाले चैप्टर में रॉकी गोल्ड का इलीगल बिजनेस और सप्लाई करते हुए नजर आएगा। साथ ही इनायत खलीफ जिसको केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई ने जिंदा छोड़ दिया था, आपको इस फिल्म में उसकी भी एंट्री देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि इनायत खलीफ केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी भाई के हाथों मारा भी जाए। केजीएफ चैप्टर 3 एक और भी ज्यादा बड़े बजट की फिल्म होने वाली है क्योंकि फिल्म में इंटरनेशनल लेवल पर फॉरेन कंट्रीज की शूटिंग दिखाई जाएगी जो कि पूरी तरह से एक हॉलीवुड शूट जैसी होने वाली है। साथ ही अगर फिल्म के VFX और एक्शन की बात करें तो वो इस बार काफी टॉप रेटेड देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से मेकर्स केजीएफ चैप्टर 3 की तैयारियां कर रहे हैं उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि वो रॉकी भाई को और भी ज्यादा बड़े लेवल का क्रिमिनल दिखाने की प्लानिंग कर रहे हैं जिसका खौफ पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। आपको अगर याद हो तो KGF के चैप्टर 1 में रॉकी ने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन दुनिया पर राज करेगा और अब KGF के आने वाले पार्ट में रॉकी ऐसा ही करते हुए हमें नजर आने वाला है। वैसे प्रशांत नील KGF की फ्रेंचाइज को बंद करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वो हर पार्ट में उसके आने वाले चैप्टर का जिक्र छोड़ देते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। जी हाँ, चैप्टर 3 में आपको बहुत सारे हिंट्स देखने को मिलेंगे जिससे कि आपको ये पता चले कि चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 भी देखने को मिलने वाला है और वो भी लाइन पे है। हालांकि इस फिल्म की कहानी को लेकर डायरेक्टर ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। दिवांशु, एंकर नितिन दहिया, किसके बीच में होगी KGF यूनिवर्स की आखिरी फाइट? कौन मारेगा सालार की गर्लफ्रेंड को? क्या सालार बन जाएगा वांटेड क्रिमिनल? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रेड स्टूडियोज में। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़े रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि KGF चैप्टर 3 की टाइमलाइन का केस 1 बताया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर सालार के बाद KGF चैप्टर 3 आती है
तो कैसे होगी केजीएफ यूनिवर्स की टाइमलाइन, और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सेकंड केस बताऊंगा। सो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अब देखते हैं कि दूसरे केस अगर सालार के बाद बगीरा आई तो क्या होगा। तो सीन ये होगा कि बगीरा भी सिंगल हीरो वाली फिल्म होगी, जिसमें हमें बगीरा और रमिका सेन का सीन दिखाया जाएगा। मतलब बगीरा पुलिस वाला होगा और ये भी डेडिकेटेड सिंगल हीरो वाली मूवी होगी, जिसमें हमें केजीएफ का जिक्र जरूर देखने को मिलेगा। और इस मूवी के लास्ट में ये पता चल सकता है कि बगीरा सालार को मारने वाला है, और इस मूवी में रमिका सेन को दिखाया नहीं जाएगा, लेकिन ऑर्डर उसी से चल रहे होंगे क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर जो है। और अगर बगीरा चैप्टर 3 से पहले आती है तो चैप्टर 3 ही केजीएफ यूनिवर्स का एंड गेम होगी, क्योंकि फिर चैप्टर 3 के पहले पार्ट में स्टोरी चैप्टर 2 से ही कंटिन्यू होगी। इंटरवल के बाद हमें फिलहाल फाइट देखने मिलेगी सालार और रॉकी वर्सेस रमिका सेन और बगीरा। बगीरा चैप्टर 3 के बाद आई तो ये सेम फाइट सीन्स हमें चैप्टर 4 में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बात कंफर्म है कि फिलहाल फाइनल फाइट यही होगी। अब देख लेते हैं कि कौन किसका कितना नुकसान करेगा। तो सालार एक वांटेड क्रिमिनल बन जाएगा, जिसकी वजह से बगीरा की नजर उसी पर होगी, और रॉकी जिंदा है। जब ये बात रमिका सेन को पता चलेगी तो रमिका सेन की नजर रॉकी पर होगी। तो सालार मूवी में प्रभास पुलिस को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि रॉकी तो अपने गोल्ड को ठिकाने में लगा हुआ होगा। फिर बगीरा मूवी में बगीरा सालार और रॉकी को थोड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्या पता सालार की गर्लफ्रेंड श्रुति हसन को बगीरा मार दे, क्योंकि तब ही फाइनल फाइट होगी। तो ये थी केजीएफ यूनिवर्स की पूरी टाइमलाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि केजीएफ यूनिवर्स के मेकर्स खिलाड़ी हैं, वो इतनी सिंपल सी स्टोरी नहीं बनाने वाले। तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि केजीएफ चैप्टर 3 के बाद केजीएफ चैप्टर 4 आएगा या नहीं, और साथ ही ये भी बताओ कि आपके हिसाब से क्या होगी केजीएफ यूनिवर्सिटी टाइमलाइन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए बॉलीग्रैड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। रिश्ता रमिका का प्रकाश राज की उस कैरेक्टर से, आखिर किसने बचाया रॉकी को? तो मेरे प्यारे दर्शकों, बॉलीग्रैड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, आज हम आपको फिल्म केजीएफ से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुन के ना आप भी हैरान के हैरान रह जाएंगे। केजीएफ 3 में अब तक की कहानी में हमें ये पता चलता है कि कैसे रॉकी रमिका के उस राज के बलबूते जीत जाता है केजीएफ का तख्त, जिससे वो फिर से बन जाता है केजीएफ के लोगों का मसीहा। अब बात करें रमिका के उस राज की, तो शायद वो राज कहीं ना कहीं जुड़ा होता है प्रकाश राज के उस कैरेक्टर से, जो सुना रहा होता है रॉकी की वही कहानी प्रेजेंट में। अब रमिका और प्रकाश के कैरेक्टर का वो राज शुरू होता है रमिका के पास की कहानी से, जो शुरू होती है तब जब वो कर रही होती स्ट्रगल एक कॉलेज में अपने एडमिशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसकी सीट मिल जाती है प्रकाश राज के कैरेक्टर को, और तभी से दोनों में शुरू हो जाती है नोकझोंक, जिसकी वजह से दोनों लगते एक दूसरे से टकराने। पर साथ ही दोनों को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं होता है कि उनकी इन्हीं नोकझोंक और लड़ाई के बीच उन दोनों को होने लगता है एक दूसरे से प्यार, और इसी प्यार की वजह से दोनों आने लगते एक दूसरे के बहुत करीब। इसी प्यार के साथ बढ़ जाती है उनकी जिंदगी की परेशानियां भी, क्योंकि उन दोनों के घर वालों को ये प्यार बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ना ही मंजूर था, और इसी के चलते हो जाते हैं रमिका और प्रकाश राज के कैरेक्टर के रास्ते बिल्कुल अलग अलग। जैसे कि हम सबको मालूम ही होता है कि रमिका उसके बाद आ जाती है पॉलिटिक्स में, और उसी रास्ते में वो करने लग जाती है कई सारे इलीगल काम, जिसकी वजह से वो पॉलिटिक्स में काफी कम टाइम में हो जाती है इतने टॉप पर। लेकिन अब उसके वही काम का पता लग जाता है रॉकी को, जिससे करने लगता है रॉकी रमिका को ब्लैकमेल, और इसी के चलते रमिका दे देती है रॉकी का साथ कालिम से उसकी जंग को जीतने में। लेकिन आखिर क्यों रमिका छुपा रही होती है अपना ये राज पूरी दुनिया से? क्यों वो नहीं चाहती कि उसके काले कारनामे सबके सामने आ जाए? और अब इसी के चलते रमिका पहुंच जाती है प्रकाश राज के कैरेक्टर के पास, जिससे वो चाहती है मदद लेना रॉकी से बचने के लिए।
और अब उसी वजह से रमिका को बतानी होती है रॉकी की वो कहानी जिसका पता चलता है प्रकाश को। और अब हम सबको प्रकाश का वो प्रेजेंट में स्टोरी सुनाने का रीजन भी पता चल जाता है। लेकिन अब तक हमें एक बात पता नहीं चली है कि आखिर वो कौन सा रमिका का राज है जो वो सबसे छुपाना चाहती है। तो वो राज होता है ये कि रमिका ने कराया होता है एक बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन का खून, जिसका ब्लेम उसने डाल दिया होता है अपनी ही पार्टी के सबसे वफादार मेंबर पर। अब उसी शख्स ने रॉकी के साथ मिलकर बता दिए होते हैं रमिका के वो सारे राज, जिसके कारण ही वो कर रहा होता है रमिका को ब्लैकमेल। जी दोस्तों, पर जहां तक सवाल है प्रकाश के उस कैरेक्टर का, तो वो ना चाहते हुए भी कर देता है रमिका की मदद, जिससे हो जाता है रमिका का काम पूरा। अब वो कौन सा काम होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन रॉकी का इन सब में क्या होगा वो भी हम सबको वक्त के साथ ही पता चल पाएगा, क्योंकि रॉकी के साथ जो भी होगा वो बनेगा केजीएफ की फोर्थ पार्ट की कहानी का हिस्सा। क्यों रॉकी हो जाता है सबसे अलग, आखिर क्या होता है रॉकी ही केजीएफ का? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कौन खेल रहा होता है रॉकी के साथ खेल, क्यों होगा रमिका का इन सब में सबसे बड़ा हाथ? तो मेरे प्यारे दर्शकों, पॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, आज हम आपको फिल्म केजीएफ से जुड़े काफी इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें सुनकर ना आप भी हैरान के हैरान रह जाएंगे। कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन अगर हम किसी काम को करने में जरा सी भी देरी करते हैं ना, तो हो जाता है हम सबकी जिंदगी में ढेर सारा ब्लंडर। क्योंकि अगर हम कोई भी काम समय से पहले या फिर समय के बाद में करते हैं, तो उस काम के खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि हमारे रॉकी की जिंदगी में आए हुए तूफान का वो बस यही बचाव कर पा रहा होता है कि वो उस तूफान से जल्द चाहता है निपटना, लेकिन उसकी इस जल्दी की वजह से हो जाते हैं कई सारे काम खराब। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उसने ले लिए है पंगा एक नहीं बल्कि दो दो लोगों से, जो बन सकते उसी की जान के दुश्मन। क्योंकि सुनने में ये आ रहा है कि आगे स्टोरी में बनने वाले रमिका और कालिम एक दूसरे के दोस्त, क्योंकि आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि दुश्मन के दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के दोस्त, ठीक बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे रमिका और कालिम भी एक दूसरे के दोस्त। अब बात की जाए रॉकी की, तो उसको कालिम ने बना दिया होता है अपना गुलाम, जिस कारण से रॉकी फिलहाल तो केजीएफ को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा होता। लेकिन अब रॉकी पूरे तरीके से हो चुका होता है इन दोनों से बेहाल, क्योंकि ये दोनों केवल रॉकी के लिए नहीं बल्कि केजीएफ में रहने वाले हर इंसान के लिए होते हैं घातक। क्योंकि इन दोनों को चाहिए होता है केजीएफ का वो कीमती सोना, जिससे जुड़ी होती है उन सब की सांसें, क्योंकि सिर्फ उसी सोने के कारण ही वो लोग बन सकते इतने अमीर, जिससे वो लोग कर सकते हैं इस पूरी दुनिया पर राज। लेकिन कहानी में आगे होता है कि रॉकी को पता चल जाता है रमिका का वो सच, जिससे वो करने लग जाता है उसको ब्लैकमेल। अब क्या होगा रमिका का वो सच, ये तो हम सबको फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि रमिका के पास्ट और उसकी स्टोरी से अभी के लिए मेकर्स कर रहे होते हैं थोड़ी सी दूरी। लेकिन इस पार्ट में मेकर्स रमिका सिंह के पास्ट के बारे में भी हम सबको दिखलाएंगे, और साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे रमिका जुड़ी होती है प्रकाश राज के उस कैरेक्टर से, जो सुना रहा होता है रॉकी की स्टोरी सबको प्रेजेंट में। आखिर क्यों प्रकाश राज के कैरेक्टर को ही मालूम होता है रॉकी के सारे राज के बारे में? क्यों वो नहीं चाहता कि रमिका सेन की सच्चाई आए सबके सामने? अब इन्हीं सवालों से लेके फिल्म की कहानी एक नया मोड़, जहां से इन सभी सवालों के जवाब हमें देते दिखेंगे मेकर्स। अब बात करी जाए स्टोरी की, तो उसमें रॉकी को जब पता चलता है रमिका का वो सच, तो रमिका रॉकी की खबरी बन जाती है। उसको कालिम की सारी प्लानिंग का तुरंत पता चल पाता है। इस राज को छुपाने के चक्कर में रमिका दे देती है रॉकी को वो सारा मिलिट्री सपोर्ट जो चाहिए होता है उसको अपने मकसद को पूरा करने के लिए, और वो सपोर्ट के मिलते ही कर देता है रॉकी केजीएफ की जमीन पर हमला, जिससे हो जाती है उसके और कालिम के बीच में एक खतरनाक जंग, जिसमें कालिम के सारे सिपाही तो मारे ही जाते हैं, और लेकिन उसी बीच भाग निकलता है केजीएफ की जमीन से कालिम, जो बन जाती है अब फिर से रॉकी की जमीन। क्यों करेगा रॉकी रमिका को और ब्लैकमेल? क्या वापस आ सकता है रॉकी की जिंदगी में कालिम? अपनी राय हमें नीचे देके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिला यश को रॉकी भाई का किरदार? क्यों फिल्म को कलर ग्रेड था येलो? क्या कन्नड़ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है केजीएफ? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूँ अंकिता।
जैसे किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, वैसे ही फिल्म को कौन किस किरदार में आएगा और आके चला जाएगा कोई नहीं बता सकता। ऐसे में बात करें कन्नड़ इंडस्ट्री की पहली मल्टीलिंगुअल फिल्म केजीएफ का मेन लीड की, तो इसके लिए डायरेक्टर राइटर प्रशांत नील ने पहले से ही यश को कास्ट करने के सोच लिया था। प्रशांत ने यश की फिल्म गुगली देखी थी, जिसके बाद उन्होंने यश को रॉकी भाई के लिए अप्रोच किया और बाकी की कहानी आप जानते हैं। आज यश पूरी दुनिया में रॉकी भाई के नाम से जाना जाता है और उनसे बेहतर इस किरदार को कोई नहीं कर सकता। ऐसे में अगर आप भी खोलना चाहते हैं किस्मत का ताला और करना चाहते हैं सिनेमा में काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म केजीएफ को कागज से पर्दे तक आने में कई सालों का समय लगा। ये समय लगा फिल्म की बारीकियों पर रिसर्च करने में। जी हाँ, फिल्म 90s और 80s का माहौल दिखाने के लिए मेकर्स ने बहुत सी चीजें पर रिसर्च करी और फिल्म को लोकेशन कोलर गोल्ड फील्ड को सेटअप करने में 2 साल का समय गया। पर इसके बावजूद कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जिसका आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिल्म का कलर ग्रेड हमें थोड़ा येलोइश और ग्रे देखने को मिला। लोगों को ये देखने में तो काफी विंटेज फील आई, पर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी फिल्म के अंदर सोना यानी गोल्ड की बात हमें देखने को मिली और यही रीजन है कि फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म में येलो कलर ग्रेड देखने को मिला था, जो कि लोगों को काफी पसंद आई। और आई होप इस बात को जानने के बाद आपको KGF 3 भी पसंद आई होगी। साउथ इंडस्ट्री कई टुकड़ों में बटी हुई है, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल, और उन्हीं में से एक इंडस्ट्री है कन्नड़ इंडस्ट्री, जिसको मेनस्ट्रीम में इतनी पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिलती। पर फिल्म केजीएफ के आने के बाद कन्नड़ इंडस्ट्री को जमकर पॉपुलैरिटी मिली। आपको जान के हैरानी होगी, पर केजीएफ पहली फिल्म कन्नड़ फिल्म है जिसका बजट 90 करोड़ था और पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म भी केजीएफ ही है। ऐसे में केजीएफ और यश ने मिलकर न सिर्फ लोगों का एंटरटेन किया, बल्कि साउथ की एक ऐसी इंडस्ट्री को उठाया जिसको लोग बहुत कम जानते थे। मिला यश को रॉकी भाई का किरदार, क्यों फिल्म का कलर ग्रेड था येलो, क्या कनाडा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है केजीएफ। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जैसे किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, वैसे ही फिल्म में कौन किस किरदार में आएगा और आके छा जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे में बात करें कनाडा इंडस्ट्री की पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म केजीएफ के मेन लीड की, तो इसके लिए डायरेक्टर राइटर प्रशांत नील ने पहले से ही यश को कास्ट करने के लिए सोच लिया था। प्रशांत ने यश की फिल्म गुगली देखी थी, जिसके बाद उन्होंने यश को रॉकी भाई के लिए अप्रोच किया और बाकी की कहानी आप जानते ही हैं। यश पूरी दुनिया में रॉकी भाई के नाम से जाने जाते हैं और उनसे बेहतर इस किरदार के लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। ऐसे में अगर आप भी खोलना चाहते हैं किस्मत का ताला और करना चाहते हैं सिनेमा में काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म केजीएफ को कागज से पर्दे तक आने में कई सालों का समय लगा और ये समय लगा फिल्म की बारीकियों पर रिसर्च करने में। जी हाँ, फिल्म में 90s और 80s का माहौल दिखाने के लिए मेकर्स ने बहुत सी चीजों पर रिसर्च करी और फिल्म की लोकेशन कोलार गोल्ड फील्ड को सेटअप करने में 2 साल का समय लगा। पर इसके बावजूद कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जिससे आप लोगों को शायद ही ना पता हो, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिल्म का कलर ग्रेड हमें थोड़ा येलोइश और ग्रे देखने को मिला था, लोगों को ये देखने में काफ़ी विंटेज फील आई, पर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी के अंदर सोने यानी गोल्ड की बात हमें देखने को मिली और यही रीजन है कि फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म में येलो कलर ग्रेड रखा, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। आई होप इस बात को जानने के बाद आपको KGF 3 और भी पसंद आएगी। साउथ इंडस्ट्री कई टुकड़ों में बटी हुई है, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल, और उन्हीं में से एक इंडस्ट्री है कनाडा इंडस्ट्री, जिसको मेनस्ट्रीम में इतनी पॉपुलैरिटी कभी नहीं मिली। पर फिल्म KGF के आने के बाद कनाडा इंडस्ट्री को जमकर पॉपुलैरिटी मिली और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म KGF पहली कनाडा फिल्म है जिसका बजट 90 करोड़ था और पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म भी KGF ही है। ऐसे में KGF और यश ने मिलकर न सिर्फ लोगों को एंटरटेन किया, बल्कि साउथ की एक ऐसी इंडस्ट्री को उठाया जिसको लोग बहुत कम जानते थे और आज साउथ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक KGF का नाम आता है। और KGF 3 आने के बाद पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट में भी फिल्म को देखा जा सकता है। क्या KGF 3 में संजय दत्त को कैमियो करते दिखाया जाएगा?
कहां बिजी हैं रॉकी भाई। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। 29 जुलाई 1959 को अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नारगिस के घर में संजय दत्त का जन्म हुआ था। आज संजय दत्त करोड़ों फैंस के दिलों में बसते हैं। बात चाहे प्रोफेशनल लाइफ की करें या फिर पर्सनल लाइफ की, संजय दत्त का विवादों और परेशानियों से हमेशा पल्ला पड़ता रहा है और हर बार वो उससे जीत कर आगे बढ़े हैं और यही वजह है कि फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं। हाल ही में इनकी फिल्म समसेरा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इनके फैंस काफी दुख हैं। लेकिन आज की ये खबर सुनते ही फैंस एक बार फिर खुश हो जाएंगे। खबरें हैं कि संजू को केजीएफ के केमियो करते दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ बस केजीएफ की बात चल रही है। जहाँ केजीएफ में इस बार विलेन के तौर पर ऋतिक को दिखाया जा सकता है, तो मेकर्स एक बार फिर अधीरा को पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। केजीएफ 2 में अधीरा का रोल को बहुत प्यार मिला था और प्यार मिले भी क्यों ना, एक्टिंग संजू ने जो की थी, उनके दमदार एक्टिंग ने अधीरा के कैरेक्टर को जान डाल दी थी। भले इस बार फिल्म में उनका छोटा योगदान रहेगा, पर उनकी एक्टिंग और लुक दोनों ही उनके किरदार में काफी मजबूत बनेगी। फिलहाल संजू और केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत दोनों ही अपने दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। जैसे ही उन्हें इस कामों से छुट्टी मिलेगी, वो फौरन ही केजीएफ 3 की शूटिंग में लग जाएंगे। अगर हम फिल्म के हीरो रॉकी भाई की बात करें, तो वो अपनी आने वाली फिल्म तेलुगु ड्रामा फिल्म द मानसून हाउस की शूटिंग में लग गए हैं। इससे पहले वो अपने घर में फैमिली टाइम स्पेंड करते थे। आए दिन वो अपने बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो साथ ही वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नई फिल्म में पुराना लुक, क्यों एक्साइटेड है यश फिल्म में अपने नए लुक को लेकर, क्या है फिल्म मेकर्स की राय नए लुक को लेकर, तो मेरे प्यारे दर्शकों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आजकल के दौर में कौन अपने लुक को लेकर कंसर्न नहीं होता, और अगर वो कंसर्न हमारे अपने रॉकी भाई करे, तो दर्शकों आप ही समझ सकते हैं कि ये लुक गेम कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के अंदर। दोस्तों, अगर लुक की बात करी जाए तो केजीएफ और केजीएफ 2 में रॉकी का वो स्टाइलिश बियर्ड वाला लुक काफी चर्चे में और ट्रेंड में भी रहा है। सुनने में आ रहा है कि हम सबके फेवरेट रह चुके रॉकी भाई यानी यश केजीएफ 3 में अपने नए लुक को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, जिसकी तैयारी भी उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी। अब वो लुक कैसा होगा, दर्शकों ये तो केजीएफ 3 के लुक रिविलेशन में ही पता चल जाएगा। लेकिन आप सब ये जान ले कि ये लुक पिछले सारे लुक से काफी अलग होने वाला है। मेकर्स का मानना है कि जैसे संजय दत्त का अधीरा रुक रिविलेशन हुआ था केजीएफ 2 फिल्म के दौरान, बिल्कुल वैसे ही हमारे रॉकी भाई के होने वाले कैरेक्टर का भी लुक रिवील की तैयारी कर रहे हैं केजीएफ 3 के मेकर्स। बात करी जाए मेकर्स की राय की, तो उन्होंने अभी तक कोई पुष्टि नहीं करी है इस न्यू लुक वाली बात पर। लेकिन दर्शकों, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। वैसे भी किसी भी फिल्म के मेकर्स इस बात का रिस्क कभी नहीं लेते कि उनके आने वाले फिल्म के हीरो का लुक लीक हो जाए रिविलेशन से पहले, क्योंकि दोस्तों इससे खतरा होता है फिल्म की पॉपुलैरिटी कम या फिर लुक कॉपी होने का। माना जाए तो ये न्यू लुक रॉकी की वापसी के लिए प्लान किया जा रहा है, क्योंकि केजीएफ 2 की एंडिंग ऐसी दिखाई गई थी जैसे रॉकी की वापसी बिल्कुल होगी ही नहीं। पर थर्ड पार्ट में मेकर्स रॉकी को एक नए लुक के साथ लाने की तैयारी में है। अक्सर देखा जाता है कि मेकर्स एक बार फेमस हुए लुक को चेंज करने का रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेते, लेकिन केजीएफ 3 के डायरेक्टर्स ये रिस्क लेकर फेल होते हैं या पास, अब ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली इस फिल्म की लेटेस्ट खबरों को जान सके और हम आपको इसकी हर खबर पहले से पहले पहुंचा भी सके। क्या इस बार भी रॉकी भाई अपने ऑन स्क्रीन लुक टेस्ट में पास हो पाएंगे? हीरोइंस में किस बात पर हुई टक्कर? क्यों है मेकर्स में हीरोइंस को लेकर कंफ्यूजन? क्या केजीएफ 3 में इस बार कोई हीरोइन नहीं बनेगी? जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी फिल्म में मेजर दो रोल्स कंसिडर होते हैं, वो मेनली हीरो और हीरोइन के कैरेक्टर्स होते हैं, और ये रोल्स एक फिल्म के लिए इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि पूरी फिल्म सिर्फ इनकी एक्टिंग पर ही डिपेंड करती है।
आप चाहे जो मूवी देख ले वो मैटर नहीं करेगा, उसकी क्या स्टोरी थी, क्या गाने थे, वो भी मैटर नहीं करेगा, पर जो एक्चुअल मैटर करता है वो है उस फिल्म में कास्टेड मेन लीड कैरेक्टर्स, जिनकी एक्टिंग का इम्पैक्ट असल में ऑडियंस पर पड़ता है जब भी वो इन कास्टेड एक्टर्स को बिग स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये डिसीजन डायरेक्टर्स के लिए काफी कठिन साबित होता है कि वो किसे मूवी में एज अ हीरो और हीरोइन देखते हैं, क्योंकि उनके इस एक डिसीजन पर पूरी फिल्म का फ्यूचर डिसाइड होता है, जिसे कभी फिल्म का प्रॉफिट रेशियो बढ़ जाता है या तो वो घट जाता है। हाल ही में अनाउंस्ड KGF 3 फिल्म के मेकर्स भी बस इसी कंफ्यूजन में उलझे हैं कि इस बार वो किस हीरोइन को एक एग्जिस्टिंग सुपरस्टार हीरो के अपोजिट कास्ट करेंगे। लेकिन डायरेक्टर्स के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार KGF 3 के लिए उनके पास हीरोइंस की काफी लंबी लिस्ट है, जिनमें से एक का नाम है समांथा, जो साउथ की काफी फेमस एक्ट्रेस में से एक है और जिन्होंने पुष्पा में ओ ओ अंटावा गाने से सबके होश उड़ा दिए थे। समांथा से जब एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि क्या अगर KGF 3 में वो एज अ एक्ट्रेस आना पसंद करेंगी, तो उनका जवाब ये था कि उन्हें कोई एतराज नहीं है फिल्म में काम करने में, अगर मेकर्स इस बात से राजी हैं तो वो जरूर फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नयनतारा के फैंस को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि नयनतारा की डेट्स ना होने की वजह से डायरेक्टर्स ने उनको पार्ट 3 के लिए अभी अप्रोच तक नहीं करा है। और आपको बता दें कि ये दोनों ही काफी फेमस साउथ एक्ट्रेसेस हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग का कोई जवाब ही नहीं है। आखिर क्या नया लाएंगे फिल्म मेकर्स इस बार? आप पार्ट 3 में किसको देखना पसंद करेंगे एज अ हीरोइन, समांथा या फिर कोई और? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में डालें और बॉलीग्रैड स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस फिल्म के फैंस के साथ शेयर करना ना भूलें। है मेकर्स में हीरोइंस को लेकर कंफ्यूजन, क्या KGF 3 में इस बार कोई हीरोइन नहीं बनेगी? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ KGF के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि किसी भी फिल्म में मेजर दो रोल्स कंसिडर्ड होते हैं, वो मेनली हीरो और हीरोइन के कैरेक्टर्स होते हैं, और ये रोल्स एक फिल्म के लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि पूरी फिल्म सिर्फ इनकी एक्टिंग पर ही डिपेंड करता है। आप चाहे मूवी देख ले वो मैटर नहीं करेगा, उसकी क्या स्टोरी थी, क्या गाना था, वो भी मैटर नहीं करेगा, पर जो एक्चुअली मैटर करता है वो है उस फिल्म में कास्टेड मेन लीड कैरेक्टर्स, जिनकी एक्टिंग का इम्पैक्ट असल में ऑडियंस पर पड़ता है जब भी वो उन कास्टेड एक्टर्स को बिग स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये डिसीजन डायरेक्टर्स के लिए काफी कठिन साबित होता है कि वो किसे मूवी में एज अ हीरो और हीरोइन देखते हैं, क्योंकि उनके इस एक डिसीजन पर पूरी फिल्म का फ्यूचर डिसाइड होता है, जिससे कभी फिल्म का प्रॉफिट रेशियो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। हाल ही में अनाउंस KGF 3 फिल्म के मेकर्स भी बस इसी कंफ्यूजन में उलझे हैं कि इस बार वो किस हीरोइन को एक एग्जिस्टिंग सुपरस्टार हीरो के साथ कास्ट करेंगे, उसके ऑपोजिट कास्ट करेंगे, जिससे ऑडियंस को ये जोड़ी स्क्रीन पर पसंद आ सके। लेकिन डायरेक्टर्स के लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार KGF 3 के लिए उनके पास हीरोइंस की काफी लंबी लिस्ट है, जो नो डाउट काफी टैलेंटेड और मशहूर भी है, जिनमें से एक नाम है समांथा, जो साउथ की काफी फेमस एक्ट्रेस में से एक है और जिन्होंने पुष्पा में ऊ अंटावा गाने से सबके होश उड़ा दिए थे। अब वो KGF 3 में आकर क्या धमाल करेंगे, ये तो वक्त और मेकर्स ही बताएंगे। समांथा से जब एक इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि क्या अगर KGF 3 में वो एज एन एक्ट्रेस आना पसंद करेंगी, तो उनका जवाब ये था कि उन्हें कोई एतराज नहीं है फिल्म में काम करने में, अगर मेकर्स इस बात से राजी है तो वो जरूर फिल्म का हिस्सा बनना चाहेंगी। सैम की इस बात से तो उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नयनतारा के फैंस को डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि नयनतारा की डेट्स ना होने की वजह से डायरेक्टर्स ने उनको पार्ट 3 के लिए अभी अप्रोच तक नहीं करा है। और आपको बता दें, ये दोनों ही काफी फेमस साउथ एक्ट्रेस हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग का कोई जवाब नहीं। बात करी जाए मेकर्स की, तो वो लोग एक तरफ काफी एक्साइटेड भी हैं फिल्म में कास्टिंग को लेकर, और कंफ्यूज्ड भी है कास्टिंग को लेकर कि क्या नई हीरोइन का मैजिक पार्ट 3 में बिल्कुल अपने हीरो रॉकी की तरह चल पाएगा, या फिर उनको फिल्म में कोई दूसरा न्यू एलिमेंट डालना होगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्रैड स्टूडियोज, मैं हूं पूर्णिमा, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कैमरा यूज हुए हैं KGF सीरीज में। किसी भी फिल्म को बनाने के लिए जितनी ज़रूरी स्क्रिप्ट होती है, उतना ही किसी फिल्म को शूट करने के लिए ज़रूरी होता है कैमरा, क्योंकि अगर कैमरा ही नहीं है तो फिर कहानी को बनाया कैसे जाएगा। फिल्मी कैमरा का पहला इन्वेंशन 1845 में फ्रांसिस रोनाल्ड्स ने किया था। आपको जान के हैरानी होगी कि आज तक वीडियो कैमरा नाम की कोई चीज़ ही नहीं बनी है।
हमें जो फिल्में भी दिखाई देती हैं वो असल में हर सेकंड की फोटोज कैप्चर होती हैं, और जब वो फोटोज एक साथ इकट्ठा होती हैं तो वो एक वीडियो बन के हमें देखने को मिलता है। बात करें इंडिया के पहले फिल्म कैमरा की, तो उसको यूज किया गया था फिल्म राजा हरिश्चंद्र में, जिसके अंदर हमें पहली बार कोई इंडियन कैमरा के पीछे दिखाई दिए। उनका नाम है हीरा लाल सेन। तब से आज के समय में बहुत से चेंजेस आ चुके हैं और अब हमें एक से बढ़कर एक कैमरा से फिल्मों का शूट देखने को मिलता है। KGF 2 के शूट में हमें ARRI Alexa S60 कैमरा से देखने को मिला था, जिसका टोटल वेट 40 किलो है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो एक नॉर्मल टीनेजर के वजन के बराबर है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस कैमरा को खुद फिल्म के सिनेमाटोग्राफर भुवन वोड़ा ने अपने कंधों पर रख के शूट किया था, ताकि वो अपना मन चाहा एंगल और शॉट लेकर शूट कर सके। तो ऐसे में एक फिल्म को बनाना जितना आसान आप सोचते हैं उतना होता नहीं है। अगर आप भी इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो देरी किस बात की है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म KGF 2 के रिलीज के बाद हमें भुवन गोडा की मेहनत सफल होती नजर आई थी, क्योंकि फिल्म के सभी शॉट्स की जमकर तारीफें हो रही थी, खासकर फिल्म की सिनेमाटोग्राफी की। हो सकता है हमें फिल्म के तीसरे पार्ट में भी भुवन ही फिल्म की सिनेमाटोग्राफी संभालते हुए नजर आए। अब बात करें अगर फिल्म के कैमरा की, तो जैसा हमने आपको बताया कि फिल्म में ARRI Alexa SX60 कैमरा इस्तेमाल किया गया था, जो कि ऑस्कर विनर फिल्म पैरासाइट में भी यूज हो चुका है। पर KGF 3 में मेकर्स इससे भी बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए वर्ल्ड के मोस्ट एक्सपेंसिव कैमरा ARRI Alexa 65 से शूट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बता दें कि ये कैमरा भी ऑस्कर विनिंग फिल्म जोकर में इस्तेमाल हो चुका है, और हमने फिल्म की क्वालिटी में बहुत सी चीजें बारीकी से देखने को मिली थी। ऐसे में अगर फिल्म के तीसरे पार्ट में हमें ये कैमरा इस्तेमाल होते हुए दिखता है, तो KGF 3 की सिनेमाटोग्राफी में हमें बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस मिल सकता है। आपको क्या लगता है, KGF 3 में देखने को मिलेगी और भी बेहतरीन क्वालिटी की सिनेमाटोग्राफी? क्या होगा नई फिल्म में पुराना लुक? क्यों एक्साइटेड है यश फिल्म में अपने नए लुक को लेकर? क्या है फिल्म मेकर्स की राय नए लुक को लेकर? तो मेरे प्यारे दर्शकों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आजकल के दौर में कौन अपने लुक को लेकर कंसर्न नहीं है, और अगर वो कंसर्न हमारे अपने रॉकी भाई करे, तो दर्शकों आप ही समझ सकते हैं कि ये लुक गेम कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फिल्म के अंदर। दोस्तों, अगर लुक की बात करी जाए तो KGF और KGF 2 में रॉकी का वो स्टाइलिश बियर्ड वाला लुक काफी चर्चे में और ट्रेंड में भी रहा है। सुनने में आ रहा है कि हम सब के फेवरेट रह चुके रॉकी भाई यानी यश KGF 3 में अपने नए लुक को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, जिसकी तैयारी भी उन्होंने अभी से ही शुरू कर दी। अब वो लुक कैसा होगा दर्शकों, ये तो KGF 3 के लुक रिविलेशन में ही पता चल जाएगा। लेकिन आप सब ये जान ले कि ये लुक पिछले सारे लुक से काफी अलग होने वाला है। मेकर्स का मानना है कि जैसे संजय दत्त का अधीरा रुक रिविलेशन हुआ था KGF 2 फिल्म के दौरान, बिल्कुल वैसे ही हमारे रॉकी भाई के होने वाले कैरेक्टर का भी लुक रिवील की तैयारी कर रहे हैं KGF 3 के मेकर्स। बात करी जाए मेकर्स की राय की, तो उन्होंने अभी तक कोई पुष्टि नहीं करी है इस न्यू लुक वाली बात पर। लेकिन दर्शकों, आपको जल्द ही पता चल जाएगा कि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ। वैसे भी किसी भी फिल्म के मेकर्स इस बात का रिस्क कभी नहीं लेते कि उनके आने वाले फिल्म के हीरो का लुक लीक हो जाए रिविलेशन से पहले, क्योंकि दोस्तों इससे खतरा होता है फिल्म की पॉपुलैरिटी कम या फिर लुक कॉपी होने का। माना जाए तो ये न्यू लुक रॉकी की वापसी के लिए प्लान किया जा रहा है, क्योंकि KGF 2 की एंडिंग ऐसी दिखाई गई थी जैसे रॉकी की वापसी बिल्कुल होगी ही नहीं। पर थर्ड पार्ट में मेकर्स रॉकी को एक नए लुक के साथ लाने की तैयारी में है। अक्सर देखा जाता है कि मेकर्स एक बार फेमस हुए लुक को चेंज करने का रिस्क बिल्कुल ही नहीं लेते, लेकिन KGF 3 के डायरेक्टर्स ये रिस्क लेकर फेल होते हैं या पास, अब ये तो दोस्तों वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले इस फिल्म की लेटेस्ट खबरों को जान सके और हम आपको इसकी हर खबर पहले से पहले पहुंचा भी सके। क्या इस बार भी रॉकी भाई अपने ऑन स्क्रीन लुक टेस्ट में पास हो पाएंगे? क्या KGF 3 में संजय दत्त को कैमियो करते दिखाया जाएगा? कहां बिजी है रॉकी भाई? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता।
29 जुलाई 1959 को अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नारगिस के घर में संजय दत्त का जन्म हुआ था। आज संजय दत्त करोड़ों फैंस के दिलों में बसते हैं। बात चाहे प्रोफेशनल लाइफ की करें या फिर पर्सनल लाइफ की, संजय दत्त का विवादों और परेशानियों से हमेशा पल्ला पड़ता रहा है और हर बार वो उससे जीत कर आगे बढ़े हैं और यही वजह है कि फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं। हाल ही में इनकी फिल्म समसेरा बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इनके फैंस काफी दुख हैं। लेकिन आज की यह खबर सुनते ही फैंस एक बार फिर खुश हो जाएंगे। खबरें हैं कि संजू को केजीएफ के कैमियो करते दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ बस केजीएफ की बात चल रही है। जहाँ केजीएफ में इस बार विलेन के तौर पर ऋतिक को दिखाया जा सकता है, तो मेकर्स एक बार फिर अधीरा को पर्दे पर दिखाना चाहते हैं। केजीएफ 2 में अधीरा का रोल को बहुत प्यार मिला था और प्यार मिले भी क्यों ना, एक्टिंग संजू ने जो की थी उनके दमदार एक्टिंग ने अधीरा के कैरेक्टर को जान डाल दी थी। भले इस बार फिल्म में उनका छोटा योगदान रहेगा, पर उनकी एक्टिंग और लुक दोनों ही उनके किरदार में काफी मजबूत बनेगी। फिलहाल संजू और केजीएफ के डायरेक्टर प्रशांत दोनों ही अपने दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं। जैसे ही उन्हें इस कामों से छुट्टी मिलेगी, वो फौरन ही केजीएफ 3 की शूटिंग में लग जाएंगे। अगर हम फिल्म के हीरो रॉकी भाई की बात करें, तो वो अपनी आने वाली फिल्म तेलुगु ड्रामा फिल्म द मानसून हाउस की शूटिंग में लग गए हैं। इससे पहले वो अपने घर में फैमिली टाइम स्पेंड करते थे। आए दिन वो अपने बच्चों की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करते नजर आते हैं। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसे मिला यश को रॉकी भाई का किरदार? क्यों फिल्म का कलर ग्रेड था येलो? क्या कनाडा इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है केजीएफ? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। जैसे किस्मत का लिखा कोई नहीं बदल सकता, वैसे ही फिल्म में कौन किस किरदार में आएगा और आके छा जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। ऐसे में बात करें कनाडा इंडस्ट्री की पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म केजीएफ के मेन लीड की, तो इसके लिए डायरेक्टर राइटर प्रशांत नील ने पहले से ही यश को कास्ट करने के लिए सोच लिया था। प्रशांत ने यश की फिल्म गूगली देखी थी, जिसके बाद उन्होंने यश को रॉकी भाई के लिए अप्रोच किया और बाकी की कहानी आप जानते ही हैं। यश पूरी दुनिया में रॉकी भाई के नाम से जाने जाते हैं और उनसे बेहतर इस किरदार के लिए कोई और हो ही नहीं सकता था। ऐसे में अगर आप भी खोलना चाहते हैं किस्मत का ताला और करना चाहते हैं सिनेमा में काम, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म केजीएफ को कागज से पर्दे तक आने में कई सालों का समय लगा और ये समय लगा फिल्म की बारीकियों पर रिसर्च करने में। जी हाँ, फिल्म में 90s और 80s का माहौल दिखाने के लिए मेकर्स ने बहुत सी चीजों पर रिसर्च करी और फिल्म की लोकेशन कोलार गोल्ड फील्ड को सेटअप करने में 2 साल का समय लगा। पर इसके बावजूद कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जिससे आप लोगों को शायद ही ना पता हो, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिल्म का कलर ग्रेड हमें थोड़ा येलोइश और ग्रे देखने को मिला था। लोगों को ये देखने में काफ़ी विंटेज फील आई, पर इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पूरी कहानी के अंदर सोने यानी गोल्ड की बात हमें देखने को मिली और यही रीज़न है कि फिल्म के डायरेक्टर ने फिल्म में येलो कलर ग्रेड रखा, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया। आई होप इस बात को जानने के बाद आपको केजीएफ 3 और भी पसंद आएगी। साउथ इंडस्ट्री कई टुकड़ों में बंटी हुई है, जैसे मलयालम, तेलुगु, तमिल और उन्हीं में से एक इंडस्ट्री है कनाडा इंडस्ट्री, जिसको मेन स्ट्रीम में इतनी पॉपुलरिटी कभी नहीं मिली। पर फिल्म केजीएफ के आने के बाद कनाडा इंडस्ट्री को जमकर पॉपुलरिटी मिली और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म केजीएफ पहली कनाडा फिल्म है जिसका बजट 90 करोड़ था और पहली मल्टी लैंग्वेज फिल्म भी केजीएफ ही है। ऐसे में केजीएफ और यश ने मिलकर न सिर्फ लोगों को एंटरटेन किया, बल्कि साउथ की एक ऐसी इंडस्ट्री को उठाया जिसको लोग बहुत कम जानते थे और आज साउथ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में से एक केजीएफ का नाम आता है। और केजीएफ 3 आने के बाद पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट में भी फिल्म को देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है? कहा फिल्म के डायरेक्टर ने, क्या ऋतिक को पहले भी ऑफर हुई थी साउथ की फिल्म? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। साउथ स्टार यश की फिल्म केजीएफ 2 में अपने रिलीज के बाद भी सिनेमाघरों में दबदबा बनाए हुए हैं। केजीएफ 2 देखने के क्रेज जिस तरह था इसके रिलीज से पहले दिन था, उसी तरह अभी भी कायम है। इसके बीच इस फिल्म ने अलग पार्ट यानी केजीएफ 3 को लेकर चर्चा में हो चुके हैं। खबरें की माने तो केजीएफ 2 की सफलता को देखते हुए मेकर्स इसका अगला पार्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं।
प्रोड्यूसर विजय ने इंटरव्यू में अपनी बात के आगे बढ़ाते कहते हुए कहा कि तीसरे पार्ट को क्या होगा, कैसी कहानी होगी, ये वक्त के साथ सामने आएगा, अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि अभी डायरेक्टर अपनी फिल्म सलार को लेकर शूटिंग में बिजी है। सलार की शूटिंग पूरी होने के बाद ही KGF 2 की शूटिंग शुरू होगी। खबर है कि ऋतिक रोशन को मूवी में लेने के लिए अप्रोच किया जाएगा। फिल्म के निमृता विजय से ऋतिक रोशन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया। हालांकि उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया कि वो KGF के अगले पार्ट के लिए ऋतिक रोशन को लेना नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेट्स फाइनल करने के बाद ही मूवी की स्टार कास्ट फाइनल कर पाएंगे, उसी वक्त कलाकार को कास्ट करने के प्रोसेस में लिया जाएगा। यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तीसरे पार्ट पर काम कब शुरू होगी। गौरतलब है कि ऋतिक रोशन ने पहले भी साउथ की मूवी ठुकरा चुके हैं। SS राजामौली ने बाहुबली के लीड रोल के लिए ऋतिक रोशन को ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद यह रोल प्रभास को मिला था। इस मूवी के दोनों पार्ट सुपरहिट साबित हुए हैं। आपको क्या लगता है कि दोस्तों, क्या इस बार भी ऋतिक फिल्म के लिए मना कर देंगे? कहा फिल्म के डायरेक्टर ने, क्या ऋतिक को पहले भी ऑफर हुई थी साउथ की फिल्म? हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज और मैं हूं अंकिता। साउथ स्टार यश की फिल्म KGF 2 में अपनी रिलीज के बाद भी सिनेमा घरों में दबदबा बनाए हुए हैं। KGF 2 देखने के क्रेज जिस तरह था इसके रिलीज से पहले दिन था, उसी तरह अभी भी कायम है। इसके बीच इस फिल्म ने अलग पार्ट यानी KGF 3 को लेकर चर्चा में हो चुके हैं। खबरें की माने तो KGF 2 की सफलता को देखते हुए मेकर्स इसका अगला पार्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। प्रोड्यूसर विजय ने इंटरव्यू में अपनी बात के आगे बढ़ाते कहते हुए कहा कि तीसरे पार्ट को क्या होगा, कैसी कहानी होगी, ये वक्त के साथ सामने आएगा, अभी ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने बताया कि अभी डायरेक्टर अपनी फिल्म सलार को लेकर शूटिंग में बिजी है। सलार की शूटिंग पूरी होने के बाद ही KGF 2 की शूटिंग शुरू होगी। खबर है कि ऋतिक रोशन को मूवी में लेने के लिए अप्रोच किया जाएगा। फिल्म के निमृता विजय से ऋतिक रोशन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका गोलमोल जवाब दिया। हालांकि उन्होंने इस बात का इनकार कर दिया कि वो KGF के अगले पार्ट के लिए ऋतिक रोशन को लेना नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेट्स फाइनल करने के बाद ही मूवी की स्टार कास्ट फाइनल कर पाएंगे, उसी वक्त कलाकार को कास्ट करने के प्रोसेस में लिया जाएगा। यह सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि तीसरे पार्ट पर काम कब शुरू होगी। गौरतलब है कि ऋतिक रोशन ने पहले भी साउथ की मूवी ठुकरा चुके हैं। SS राजामौली ने बाहुबली के लीड रोल के लिए ऋतिक रोशन को ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, जिसके बाद यह रोल प्रभास को मिला था। इस मूवी के दोनों पार्ट सुपरहिट साबित हुए हैं। आपको क्या लगता है कि दोस्तों, क्या इस बार भी ऋतिक फिल्म के लिए मना कर देंगे? क्या है इनायत खलील और रॉकी का बड़ा सौदा? क्या होगा रॉकी का मास्टर एस्केप प्लान? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। KGF को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है कि फरमान अभी भी जिंदा है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे, क्योंकि अगर वो अधीरा के हाथ लग गया तो अधीरा ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? तो आपको बता दें कि अधीरा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था कि रॉकी को उसकी ताकत का अंदाजा हो जाए। फरमान ने देखा था कि अधीरा ने किस तरह रॉकी के लिए काम करने वाले लोगों को मार डाला। ऐसे में अधीरा चाहता था कि फरमान रॉकी को ये सब बताए और रॉकी के जहन में एक दहशत भरी तस्वीर उतार दे। अधीरा ने इसके लिए फरमान को ही चुना क्योंकि फरमान बहुत छोटा था और अधीरा को लगा कि नहीं, फरमान से अधीरा को कोई खतरा नहीं हो सकता। और उस दिन अधीरा के एक कैंप में फरमान ने जो भी देखा और रॉकी को बताया, वो सब हमें KGF 3 में देखने को मिलेगा। दोस्तों, रॉकी ने इनायत खलील से एक सौदा किया था जिसमें इनायत रॉकी को 500 मैट्रिक्स टन सोना देने वाला था और उसके बदले रॉकी ने उसे KGF का सारा गोल्ड देने का वादा किया था। इनायत दुबई में अपना दबदबा बना चुका था और रॉकी जानता था कि इनायत के लिए गोल्ड को स्मगल करना कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। इनायत गोल्ड को सीज ओशन के रूट से भेजता क्योंकि पानी ही एक ऐसा सबसे सेफ जरिया है जिससे एक देश से दूसरे देश में हम आराम से सामान को ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। अब यहां से शुरू होता है रॉकी का मास्टर प्लान। रॉकी ने इंडोनेशियन नेवी को वादा किया था कि वो उनको उनका सारा सोना वापस बदले में दे देगा, लेकिन बदले में इंडोनेशियन नेवी को KGF का सारा गोल्ड सही सलामत रॉकी के बैंक अकाउंट में जमा करवाना होगा, जिससे रॉकी के जाने के बाद भी KGF के लोग उस गोल्ड को यूज करके अच्छे से अपनी लाइफ जी सके। और दोस्तों, ऐसा हुआ भी।
रॉकी ने इनायत से लिया हुआ गोल्ड इंडोनेशियन नेवी को दिया था और इसके बदले में उन्होंने केजीएफ का सारा सोना सुरक्षित रॉकी के इंटरनेशनल बैंक अकाउंट में जमा कर दिया। अब जब रॉकी ने सबमरीन की मदद से खुद को सही सलामत बचा लिया तब उसने उस बैंक अकाउंट से सोना निकालकर खुद को दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बिजनेसमैन संभालने वाला इंसान बनाने वाली सीढ़ी पर पैर रख दिया था। दोस्तों रॉकी के मरने के बाद इनायत के पास वो रास्ता कहीं नहीं था वो अपना गोल्ड वापस ले सके क्योंकि सबको यही लग रहा था कि केजीएफ का सारा सोना इंडोनेशिया में है। अब आप हमें जल्दी से बताइए कि आपको कैसा लगा है रॉकी का ये मास्टर प्लान। इस फिल्म के स्टार कास्ट की फीस, किसे फिल्म के लिए मिली सबसे ज्यादा सैलरी, कब आएगा इस फिल्म का अगला चैप्टर। केजीएफ एक ऐसी सीरीज है जो किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। आप सब ने केजीएफ 2 देखी ही होगी और हम आपको ये भी बता चुके हैं कि केजीएफ 3 भी बहुत ही जल्दी सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। फिलहाल आज हम आपके साथ शेयर करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 की स्टार कास्ट से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो क्या आपको पता है कि फिल्म की स्टार कास्ट ने कितनी ज्यादा फीस चार्ज की है, हम बताते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं रॉकी भाई यानी कि सुपरस्टार यश की। एक रिपोर्ट के मुताबिक केजीएफ के पहले चैप्टर के लिए यश ने 15 करोड़ रुपीस की फीस ली थी, वहीं चैप्टर 2 के लिए उनके फीस में 10 करोड़ रुपए की इजाफा हुआ था, यानी कि यश के चैप्टर 2 के लिए 25 करोड़ रुपए मिले थे। और अब बात करते हैं फिल्म के खूंखार खलनायक की। केजीएफ फिल्म की सक्सेस के लिए एक बड़ी यूएसपी अधीरा यानी कि संजय दत्त को मना जा रहा है और फिल्म में संजय दत्त ने अपने खलनायक रूप से दर्शकों को सच में डरा दिया है। अगर इनके फीस की बात करें तो इन्हें फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। अब बात करते हैं बॉलीवुड के एक और चेहरे की जो है रवीना टंडन। फिल्म में रवीना राजनीति के दांव पीछे खेलती नजर आ रही हैं और केजीएफ चैप्टर 2 के लिए रवीना को करीब 1.5 करोड़ की फीस मिलने की खबर सामने आ रही है। जब से केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में इसके अगले पार्ट की झलक दिखाई दे रही है तब से ही फैंस को केजीएफ चैप्टर 3 का बेसब्री से इंतजार है। वो जानने को बेताब हैं कि आखिर कब उनके रॉकी भाई बड़े पर्दे पर वापस लौटेंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि केजीएफ की सक्सेस में बहुत बड़ा रोल है मूवी के हीरो यश का। हम सबके चहेते यश को केजीएफ के पहले कोई नहीं जानता था और आज आलम यह है कि बच्चा बच्चा अपने रॉकी भाई के स्टाइल को फॉलो कर रहा है। तभी तो सुपरस्टार यश ने इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा पैसे की डिमांड की थी और मेकर्स भी उन्हें ये नहीं कह पाए क्योंकि वो जानते हैं कि यश ये पैसे डिजर्व करते हैं। यहाँ तक कि केजीएफ के पहले चैप्टर के बाद यश ने अपनी फीस में 10 करोड़ का इजाफा किया था और केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज के बाद से ही फैंस इसके अगले सीक्वल का इंतजार भी कर रहे हैं, जिसको लेकर कुछ दिन पहले मेकर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि उनका कहना ये है कि फिल्म अगले साल नहीं बल्कि 2025 तक रिलीज की जाएगी, जिसका मतलब है कि रॉकी भाई के फैंस को अभी और भी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। अब ये सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल तो आ ही गया होगा कि आखिर इस फिल्म को आने में इतनी देर क्यों हो रही है। तो हम आपको बताते हैं कि दरअसल इस वक्त प्रशांत नील फिल्म सलार के डायरेक्शन में बिजी हैं और इस फिल्म में हमें प्रभास से एज अ लीड रोल नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म इनका काफी बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका अभी 30-40% हिस्सा ही शूट हुआ है, इसलिए प्रशांत नील अभी केजीएफ पर काम शुरू नहीं कर रहे हैं। खैर केजीएफ के टीजर चैप्टर के लिए अभी फैंस का इंतजार थोड़ा सा लंबा होने वाला है। फिलहाल अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप केजीएफ 3 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, हमें ये कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी सक्सेस के बाद भी उड़ा फिल्म का मजाक, क्या रियल माइनिंग वाली जगह पर हुआ था शूट, कैसे फाइनल हुआ रॉकी भाई का लुक। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्रैड स्टूडियोज में। केजीएफ के बाद केजीएफ 2 के लिए लोगों को 4 साल का इंतजार करना पड़ा। हाल ही में फिल्म कोविड की वजह से भी काफी डिले हुई, पर फाइनली 2022 में फिल्म को रिलीज कर दिया गया और फिल्म ने आके वही किया जो फिल्म से उम्मीद थी। सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए, हर जगह रॉकी भाई का नाम दिखने को मिला, पर इस सब के बावजूद काफी लोगों ने फिल्म के एक्शन का मजाक उड़ाया क्योंकि फिल्म में हमें बहुत से सीन्स में कुछ भी देखने को मिला, जैसे कि मशीन गन से सिगरेट जलाने वाला सीन और रॉकी भाई अकेले 1000 लोगों को मार के खड़ा हो जाता है।
वो भी बिना किसी खरोच के। पर इस सब के बावजूद फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई, शायद यही यूएसपी थी फिल्म की। ऐसे में बात करें केजीएफ 3 की तो हमें इसमें भी ऐसे ही एक्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मजाक उड़ाने वाले कम हैं पर फिल्म को प्यार देने वाले लोग बहुत ज्यादा। ऐसे में मेकर्स यही टेक्निक फिल्म के तीसरे पार्ट में भी कंटिन्यू करते दिख सकते हैं। फिल्म के दूसरे पार्ट को आने में 4 साल लगे और फिल्म के सेट यानी कोलार गोल्ड फील्ड की जगह को बनाने में 2 साल लग गए। पर क्या आपको पता है कि फिल्म में दिखाई गई जगह सच में माइनिंग वाली जगह थी? जी हाँ, फिल्म को रियल माइनिंग लोकेशन पर शूट किया गया था, जहाँ शूटिंग करना काफी मुश्किल था। इसी वजह से मेकर्स ने फिल्म के सेट पर काम कर रहे सभी 8,000 लोगों का इंश्योरेंस कराया था और फिल्म में शूटिंग की टाइमिंग भी कम रखी गई थी, ताकि माइनिंग वाली जगह पर स्मूथली शूट हो सके। ऐसे में अगर आप भी इतनी मेहनत के लिए हो तैयार तो देर किस बात की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर प्रशांत नील ने यश को अपनी फिल्म में मेन लीड के लिए पहले ही सोच लिया था, पर उनका लुक और भी डैशिंग और कूल दिखाने के लिए मेकर्स काफी तरकीब लगाते हुए दिखाई दिए थे और तब जाके रॉकी भाई का लुक सामने आया। दरअसल फिल्म में रॉकी के किरदार को मैसी, रॉ और मस्कुलिन दिखाना था, जिसके लिए उनकी पर्सनल स्टाइलिस्ट सानिया सरधिया ने अपने कई लुक ट्राई किए और फिल्म 90s एरा पर बेस्ड थी, जिसके चलते उन्होंने यश को ऐसा लुक दिया जो कि आज सब में फेमस है। बात करें केजीएफ 2 की तो फिल्म में रॉकी के लुक को ज्यादा चेंज नहीं दिया गया था, बस उसे थोड़ा और कूल और वेल ड्रेस्ड दिखाया गया, जो कि हमने केजीएफ 3 में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिल्म में रॉकी का वो टाइमलाइन भी देखने को मिल सकता है जब वो अपनी बुलंदियों को हासिल कर चुका था। अर्जुन हो रहे हैं जो क्या पुष्पा के मेकर्स कर रहे केजीएफ को कॉपी, क्यों फैंस भड़के सुकुमार पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियो। फिल्में देखना सभी को पसंद है और फिल्मों के बारे में जानना उससे भी ज्यादा है ना। पर जब आप फिल्म देखने जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई उस फिल्म की टिकट पर लगाते हैं, तब आपको पता चलता है कि अरे ये फिल्म तो मैंने देखी है, पर अचानक से इसके किरदार क्यों बदल गए। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉपी करके फिल्म बनाने वालों की, और कुछ इसी केस में हाल ही में अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा फंस गई है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, वही पुष्पा जिसे देखने के बाद शायद आपने कहा होगा पुष्पा आई हेट वेटिंग रे, और ये सुनकर सुकुमार ने सीक्वल की अनाउंसमेंट कर डाली। पर उन्हें कौन समझाया कि सिर्फ दर्शकों को सीक्वल की अनाउंसमेंट करके उन्हें किसी और फिल्म की कहानी परोस कर वो कहीं से भी और कभी भी हिट डायरेक्टर नहीं बन जाएंगे। केजीएफ की कहानी कहीं से भी पुष्पा की सीक्वल नहीं बन सकती, पर कौन समझाए उन्हें ये बात। पता है हमें आप थोड़े से कंफ्यूज जरूर लग रहे हैं, आपका कंफ्यूजन आपके सर पे चढ़ चुका होगा क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ये पूरा का पूरा माजरा है क्या। तो हम आपको आइए डिटेल में बताते हैं ये पूरी बात। अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा को पैन इंडिया लेवल पे ब्लॉकबस्टर घोषित कर दिया गया था। इस फिल्म में अल्लू के अलावा रश्मिका मंदाना और फहद फासिल थे। इस फिल्म को डायरेक्टर सुकुमार ने डायरेक्ट किया था। खैर हुआ क्या कि अभी हाल ही में सुकुमार ने पुष्पा की सीक्वल को लेकर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर डाली, जिसके बाद जाहिर सी बात है फैंस हमेशा की तरह खुश तो हो गए। लेकिन दूसरी सीक्वल आई ही नहीं थी कि तब तक पुष्पा की तीसरी की भी बात खड़ी हो गई और सामने आ गई। जी हाँ, होश मत खोइए, सही कह रहे हैं हम। फिल्म में भंवर का किरदार निभा रहे फहद फासिल ने अपने ट्विटर अकाउंट के साथ साथ एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि डायरेक्टर ने उनसे पुष्पा 3 को लेकर चर्चा की है। जब से उन्होंने ये कह दिया है तब से हर तरह की रिएक्शन का सामना करना पड़ रहा है फिल्म की पूरी टीम को, खासकर सुकुमार को। आगे आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि असल में फहद ने ट्वीट किया था कि जब सुकु सर ने फिल्म की कहानी मुझे बताई उस वक्त फिल्म सिर्फ अपनी पहली कड़ी में थी, पुलिस स्टेशन की सीन और मेरे सेकंड हाफ के पार्ट के बाद फिल्म 2 पार्ट्स में बन गई। हाल ही में जब उन्होंने मुझसे बात की थी तो उन्होंने मुझसे कहा था कि पुष्पा 3 के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि उनके पास पर्याप्त मटेरियल है इसे करने के लिए। वहीं आगे आपको ये भी बताते चलें कि केजीएफ की कहानी के बेस्ड पे पुष्पा को सुकुमार आगे बढ़ाने वाले हैं। इस दावे के साथ लोग सुकुमार को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जी हाँ, असल में पुष्पा 3 का आइडिया केजीएफ की फ्रेंचाइजी से ही उठाया गया है। प्रशांत नील की केजीएफ कितनी हिट थी ये आप सभी जानते हैं।
पर इस फिल्म की सफलता को देखकर बाकी फिल्में भी अब इसकी कॉपी करने लगी है। इसी वजह से केजीएफ के फैंस गुस्से में दिख रहे हैं और अपने अपने ओपिनियंस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डायरेक्टर सुकुमार को निशाना बना रहे हैं। आपको बताते चले कि एक यूजर ने कहा कि केजीएफ के रास्ते चल रही फिल्म की स्क्रिप्ट भी पूरी तरह से केजीएफ 1 पे बेस्ड है। वहीं दूसरे फैंस ने लिखा कि अब हर फिल्म को केजीएफ चैप्टर 2 बनाना है क्या। वहीं तीसरे यूजर ने अपने पॉइंट को आगे रखते हुए कहा कि मेकर्स के पास दूसरे कंटेंट को बनाने के लिए पर्याप्त मटेरियल नहीं है, सभी को पता है कि ये कहां से इंस्पायर्ड है। फैंस के दिए गए रिएक्शन से साफ पता चलता है कि किस तरह से लोग केजीएफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मेकर्स को समझाना चाहिए कि ये प्रशांत नील की अपनी इमेजिनेशन थी जिसके कारण आज केजीएफ इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुकी है। कुछ प्लानिंग के साथ ही प्रशांत ने केजीएफ 3 को लाने के बारे में सोचा है, पर अगर कोई उनकी मेहनत पर अपनी क्रेडिट लेने लगे तो फिर क्या फर्क रह जाता है एक आर्टिस्ट और एक इमिटेट करने वालों में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वजन बढ़ा रहे हैं यश, क्या केजीएफ 3 का ट्रेलर हुआ आउट? कौन है रवि बसरूर? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज के फिल्मी गलियारे में। रॉकी भाई की सीटी मार एंट्री से फिर गूंजने वाला है सिनेमाघर। जी हाँ, जल्दी केजीएफ 3 फिर से दिलों में राज करने आ रही है एक अलग नई कहानी के साथ और नए ट्विस्ट के साथ। रॉकी भाई जिंदा हैं और उन्हें आने वाले समय में विदेशों में देखा जाएगा। चैप्टर 3 के लिए यश दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्हें फिल्म के लिए 8 किलो वजन बढ़ाना है, जिसके लिए वो काफी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हैं। अगर हम फिल्म के ट्रेलर या टीजर की बात करें तो किसी तरह का ट्रेलर या टीजर आउट नहीं हुआ है। दरअसल एक रिपोर्टर से बात करते वक्त प्रशांत ने कहा था कि इसे वो शानदार तरीके से दिखाना चाहते हैं। फिल्म के एक एक सीन को वो बिल्कुल नेचुरल दिखाना चाहते हैं, एकदम परफेक्ट शॉट के साथ। फिल्म के कई सीन को हंटिंग एरियाज में शूट किया जाएगा। फिल्म कर्नाटक के कई छोटे बड़े हिस्सों में शूट की जाएगी। यश की कॉस्ट्यूम डिजाइनर सानिया फिल्म में इनके लुक को काफी दमदार दिखाने के लिए अच्छा काम कर रही हैं। सानिया रियल लाइफ में भी यश की स्टाइलिश हैं और वो इनके हर लुक का पूरा ध्यान रखती हैं। फिल्म को एक और चीज हिट बनाती है, वो है म्यूजिक। केजीएफ 3 में म्यूजिक कंपोजर रवि बसरूर को लिया जाएगा। इन्होंने केजीएफ के बैकग्राउंड को एकदम स्पाइन चिलिंग थंपिंग म्यूजिक के साथ फैंस को दीवाना बना लिया है। इसीलिए इस बार प्रशांत फिल्म के साउंड इफेक्ट को और भी ज्यादा कमाल का दिखाना चाहते हैं, ताकि फैंस स्टोरी के साथ साथ साउंड का भी लुफ्त उठा सकें। इन टोटल फिल्म काफी जबरदस्त होने वाली है और एक नया रिकॉर्ड कायम करने वाली है हिंदुस्तानी सिनेमा में, यानी कि रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड, हिंदुस्तान में रिकॉर्ड, देश विदेशों में रिकॉर्ड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। क्या आप भी केजीएफ 3 के म्यूजिक को पसंद करते हैं? क्या आप भी केजीएफ 3 के लिए एक्साइटेड हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। फिर क्या है माँ वाले एलिमेंट का राज, क्या कहना है मेकर्स का इस बात पर? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ केजीएफ 3 के बारे में। माँ शब्द सुनते ही मन में ये ख्याल आता है कि आखिर कोई कैसे इतना सब कुछ हमारे लिए सहन करके भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, सिवाय इस चीज के कि हम अपनी अपनी जिंदगियों में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सके। हर माँ अपने बच्चे को पालने के लिए वो सब कर गुजरती है जो इस दुनिया में उस माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता। माँ शब्द से जो लोगों का लगाव होता है, बस उसी एक एलिमेंट से फिल्म की हर स्टोरी लाइन इंस्पायर्ड होती है। चाहे नई फिल्म हो या पुरानी, माँ का इमोशन आपको सब में नजर आएगा, जिससे आप अपने आप को फिल्म से कनेक्ट करने से रोक नहीं पाएंगे। फिल्म मेकर्स की माने तो इमोशंस ही एक ऐसी चीज होती है जिससे फिल्म का कनेक्शन ऑडियंस से स्ट्रॉन्ग होता है और वो फिल्म एक ब्लॉकबस्टर हिट साबित होती है। बात करी जाए केजीएफ 3 की, तो उसकी पूरी स्टोरी लाइन ही एक माँ के सपने के ऊपर बेस्ड है, जिसका बेटा उसका हर सपना पूरा करने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। फिल्म की राइटिंग इतनी शार्प दिखाई गई है कि प्रेजेंट रॉकी के काम और उसकी माँ की बातें जो उसकी माँ ने उसको बचपन में कही थी, इसी छोटे से एलिमेंट को मेकर्स इतनी चालाकी से यूज करते हैं कि ऑडियंस स्क्रीन से अपना ध्यान हटा ही नहीं पाते। आपको वो डायलॉग तो याद ही होगा, एक माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। बस इसी एक डायलॉग ने पूरी फिल्म को एक नया मुकाम दे दिया, जिससे ये फिल्म कई प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड होने लगी।
KGF 3 जो कि अभी अपकमिंग मूवीज में से एक है, उसके मेकर्स ने ये बताया है कि ये माँ वाला एलिमेंट रॉकी के साथ तब तक दिखाया जाएगा जब तक वो फिल्म में नजर आते रहेंगे, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर जो भी दिखाया गया है अपनी जिंदगी में वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से दिखाया गया है, जिसके कारण ही रॉकी की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा हाई है। सुनने में ये भी आ रहा है कि मेकर्स पार्ट 3 और उसके आने वाले पार्ट्स में भी रॉकी और उसकी माँ के रिश्ते की गहराइयों को दिखाते नजर आएंगे। हालांकि ये पार्ट्स काफी कम समय के लिए स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे, लेकिन इससे मेकर्स का मानना है कि फिल्म पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसा कि KGF पार्ट 1 और 2 में हमें देखने को मिला था। मेकर्स बताते हैं कि उनकी क्रिएटिव टीम ने रॉकी और उसकी माँ के कई किस्सों को काफी खूबसूरती से अपने पन्नों पर पहले से ही उतारा हुआ है, जिसका वो सब फिल्म के हर पार्ट में इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े हिस्से में, जिससे रॉकी की कहानी और उसकी माँ की सीखें साथ में चलती रहे। तो आपको क्या लगता है फिल्म मेकर्स की स्ट्रेटजी के बारे में? क्या ये काम आएगी? क्या फिर से एक बार माँ बेटे का जादू चल पाएगा स्क्रीन पर? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए दोस्त। रीना का कोई नया एंगल बनेगा KGF 3 का बेस? KGF का पूरा सच आखिर क्या है? ये सारा डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जरूर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। साउथ के सुपरस्टार यश की 2018 में आई एक मूवी जिसने इतना धमाल मचाया कि बहुत ही जल्द मूवी का तीसरा पार्ट आने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं KGF फ्रेंचाइजी के मूवीज के बारे में। वैसे तो पहली बार में ही यानी कि KGF चैप्टर 1 के साथ ही सिनेमा के जगत में एक अलग ही रौब जमा लिया था, लेकिन फैंस के दिलों में भी इतनी खास जगह बनाई कि साउथ के लोग तो यश को इंसान से ऊपर मानने लगे हैं। एक्चुअली हम भारत के लोगों की स्पेशलिटी कहूँ या एक्स्ट्रा सेंटिमेंटल, लेकिन जब हम किसी को मन में जगह देते हैं तो उसे कुछ ऐसे ही प्यार दिखाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम इस मूवी के बारे में ही इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसका अगला सीक्वल यानी कि KGF चैप्टर 3 आने वाला है। क्या आपको पता है कि KGF फिल्म में जिस खानदान की कहानी को दिखाया गया है वो असल कहानी है और उसका इतिहास 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। KGF फिल्म की कहानी जितनी खूनी है असल में इसकी हिस्ट्री भी उतनी ही भयंकर है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस KGF की क्या रियल हिस्ट्री है। KGF जिसका फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड, जो कर्नाटका के एक शहर कोलार से 30 किलोमीटर दूर है, ये एक माइनिंग एरिया है और ऐसा भी माना जाता है कि 20 साल पहले इस माइनिंग एरिया से सोने की खुदाई की जाती। पहले इस एरिया के आसपास लोग नहीं रहा करते थे और ऐसी ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें टॉलीवुड के थ्रू KGF चैप्टर 1 एंड 2 में भी नजर आ चुकी है। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिछली मूवी में यश यानी कि रॉकी को मरा हुआ दिखाया जाता है, तो दोस्तों अब फैंस के मन में बड़ी ही क्यूरियोसिटी वाले सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब नेक्स्ट सीक्वल में क्या दिखाया जा सकता है। और पिछली मूवी में लीड एक्ट्रेस को प्रेग्नेंट दिखाया जाता है और लास्ट में उनकी डेथ हो जाती है, तो अब हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि KGF चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बीच में आखिर एज अ कनेक्टिंग लिंक क्या दिखाया जाएगा। फैंस ने KGF फ्रेंचाइजी को हमेशा ही बहुत प्यार दिया है और इसकी मेन वजह थी उसकी धांसू प्लॉट लाइनिंग। अब इस बार भी जब से हमें ये सुना है कि KGF चैप्टर 3 बनने की बात चल रही है तो अब फैंस तो श्योर है कि इस बार भी मूवी ब्लॉकबस्टर हिट होकर रहेगी, और जब किसी मूवी में इतने डेडिकेटेड लोग हो तो उसका सक्सेस होना तो बनता ही है। KGF 3 में फैंस को ये भी होप्स हैं कि उन्हें एक बार फिर से रवीना टंडन की एक्टिंग देखने का मौका मिल सकता है। तो बस अब हम सारे फैंस को अपना काम और पेशेंस बनाए रखना है मूवी के रिलीज होने तक और ये देखना है कि इस बार आखिर कैसे यश और उनकी पूरी टीम मिलकर के पब्लिक को अपना दीवाना बना लेती है। एक अच्छी स्टोरी तो बस एक अच्छी स्टोरी होती है एंड इट नोस नो बाउंड्री एट ऑल। और अब चाहे वो साउथ की हो या बॉलीवुड, इससे क्या ही फर्क पड़ता है।
जनता को चाहिए एंटरटेनमेंट और वो हर तरह की मूवी देख करके एंटरटेन होना पसंद करती है। बस उसकी स्टोरी दमदार होनी चाहिए। एक्साइटेड तो यस का हर फैन है कि आखिर अब इस नई सीक्वल यानी कि चैप्टर में क्या नया देखने को मिलेगा और कैसे यश अपने कैरेक्टर के थ्रू सबके दिल में एक बार फिर से अपनी जगह बनाने में कामयाब हो पाते हैं। VFX होंगे फिल्म में यूज, क्या ऑडियंस की डिमांड होगी पूरी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पुराने जमाने में कैसे फिल्में बनती थी ये तो आपको पता ही होगा। वो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की स्क्रीन पर हमें हमारे एक्टर्स नजर आते थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे सोसाइटी एडवांस होती गई, ठीक बिल्कुल वैसे ही हमारे सिनेमा के पीछे के रंग भी ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल होने लगे। हालांकि माना जाए तो अपने सिनेमा को थोड़ा वक्त लगा VFX को मूवीज में ऐड करने में, लेकिन जब VFX बॉलीवुड की फिल्मों में यूज होना शुरू हुआ तब से लेकर आज तक उसमें काफी बदलाव हुए हैं जो हमें देखने को मिले हैं। हम एक बात तो मान ही गए हैं कि वक्त चाहे जैसा भी हो, लेकिन VFX का सही इस्तेमाल हमारी फिल्मों से ज्यादा कहीं नहीं हुआ है, क्योंकि VFX की स्टार्टिंग से ही बॉलीवुड ने VFX यूज करना शुरू किया और तब से लेके अब तक हमने इसमें काफी सारे अपग्रेडेशन भी देखे हैं। अभी अपकमिंग आने वाली KGF 3 के मेकर्स ने ये डिक्लेयर किया है कि फिल्म में काफी कुछ अलग होने वाला है जिससे इंडियन सिनेमा एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। KGF 2 तक मेकर्स बताते हैं कि फिल्म को उन्होंने एक बेस दिया है, लेकिन KGF 3 से उनका मानना ये है कि फिल्म का लेवल और हाई होगा, जिसको सुनकर अब KGF के फैंस फूले नहीं समा रहे। माना ये भी जा रहा है कि इस बार यश के साथ एक नया स्टार नजर आ सकता है, लेकिन वो अब कौन होगा ये डायरेक्टर्स ने अभी तक रिवील नहीं किया है। उन्होंने ये जरूर बताया है कि पार्ट 3 से ऑडियंस का विश्वास उनकी फ्रेंचाइजी पर और बढ़ जाएगा, जिससे वो भी KGF को एक मार्वल की फिल्म की तरह ही बनाना चाहेंगे, जिससे KGF की दुनिया भी बिल्कुल मार्वल की दुनिया की तरह ही वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए। मेकर्स की टीम को बस अपनी ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, जिससे वो अपना मार्वल वर्ल्ड बनाने का सपना पूरा कर सके। तो क्या लगता है आपको, क्या चेंजेस हैं, कोई चांसेस हैं KGF 3 में? क्या मेकर्स अपने इस मार्वल सीरीज के वर्ल्ड वाले सपने को पूरा कर पाएंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है दीक्षा यादव ने। क्या सोवियत यूनियन से होगा KGF 3 का कनेक्शन? क्या होगा जिमी कार्टर का रोल मूवी में? वेल माय लवीज, आज की न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपके फायदे की बात लाई हूँ। तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। सो गाइज, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर, बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है KGF 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप जानते हैं, आजकल KGF चैप्टर 2 काफी चर्चा में है, क्योंकि ये चैप्टर एक बहुत ही मजेदार मोड़ पर आकर खत्म कर दिया गया था, जिसमें ये दिखाया गया कि रॉकी भाई पर मिसाइल अटैक होता है और मूवी एंड कर दी जाती है इस नोट के साथ कि चैप्टर 3 लोडिंग। लेकिन हमें और हमारे दर्शक को अब भी ये लगता है कि रॉकी भाई नेक्स्ट पार्ट में जिंदा दिखाए जा सकते हैं, क्योंकि मूवी के आने वाले थर्ड पार्ट ने दर्शकों को ये एक्सपेक्टेशन दे दी है कि शायद मूवी में रॉकी भाई वापसी कर सकते हैं, क्योंकि मूवी में रॉकी को इतना चालाक, बुद्धिमान और मजेदार दिखाया गया है कि लोग इस बात को मान ही नहीं रहे हैं कि अगले पार्ट में रॉकी भाई नहीं होंगे। जिस तरह मूवी के एंडिंग में रॉकी को इंडियन ओशियन में डूबते हुए दिखाया गया है, पर क्या वो असल में डूबे भी हैं या नहीं, ये जानने के लिए जो लोग हमारे चैनल नहीं देख रहे उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन आप मेरे प्यारे दर्शकों, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका बॉलीग्रैड चैनल लाया है ये खबर काफी रिसर्च करने के बाद। हमारी रिसर्च के मुताबिक रॉकी भाई इंडियन ओशियन से बच के वहां से निकलने में सफलता पा लेते हैं, और वो भी कैसे दर्शकों, इस प्लॉट को जानकर आपको काफी हैरानी होगी, जो जुड़ा है एक सबमरीन से जिसको भेजा था सोवियत यूनियन देश ने। जी दोस्तों, जहां तक आपको याद होगा, चैप्टर 2 के दौरान रॉकी जब PM से मिलने उनके ऑफिस जाता है तो वहां उसको जिमी कार्टर नाम का एक फॉरेनर मिलता है, जो रॉकी से पूछता है कि वो कौन है। तो रॉकी उसको बताता है कि वो CEO ऑफ इंडिया है। फिर उस कहानी को वहीं रोक दिया जाता है।
और माना जा रहा है कि सबमरीन को और किसी ने नहीं बल्कि उसी जिमी ने ही भेजा होगा जिसको रॉकी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था। सेकंड पार्ट में जिमी का होना ही हमें ये क्लू देता है कि उसी ने वो सबमरीन भेजकर रॉकी भाई को इंडियन ओशियन से बचा लिया होगा और एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया होगा। और अगर हमारी रिसर्च 100% सही हुई तो इस बार रॉकी भाई अपने किसी भी दुश्मन को जाने नहीं देंगे, चाहे वो रमिका सेन ही क्यों ना हो। तो अब अगले पार्ट में फुल एक्शन पैक धमाका देखने में ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि रॉकी बचता कैसे है और वो अपने दुश्मनों से बदला कैसे लेता है। जैसे कि हम सब रॉकी भाई के अजब गजब तरीकों के पहले भी फैन रह चुके हैं जो हम सबको स्क्रीन पे आते ही तालियां बजाने पे मजबूर कर देते हैं। ऐसे तरीके जो हम लोग के उत्साह का कारण है KGF 1 और KGF 2 से। तो अब इस बार क्या नया करेंगे KGF के मेकर्स, बस इसी एक्साइटमेंट में मूवी के फैंस इंतजार कर रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगा हो या किसी भी रीजन से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। साथ ही साथ ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मूवी पर देखना चाहते हो। कौन सी मूवी से है KGF कॉपी, कौन सी बात है KGF की सबसे अलग। हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 3 के बारे में। साउथ की फिल्मों और बॉलीवुड की फिल्मों में जो कंपैरिजन चलता आ रहा है उससे तो हम अच्छे से वाकिफ है ही, लेकिन अगर कोई ये कह दे कि साउथ की फिल्में बॉलीवुड से बेटर है तो ये बात गलत हो सकती है, क्योंकि जैसे बॉलीवुड को साउथ की फिल्मों का कॉपी कैट बोला जाता है, वैसे ही कुछ साउथ की फिल्में भी बाहर की सिनेमा से ही कॉपी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, साउथ की निर्णयम फिल्म जो हॉलीवुड की स्टेक आउट फिल्म से कॉपी करी गई थी, ऐसे ही साउथ की कई सारी मूवीज हॉलीवुड से कॉपी मानी जाती हैं, क्योंकि शायद आजकल के ट्रेंड में साउथ की फिल्मों की स्टोरी लाइन को बॉलीवुड से ज्यादा सुपीरियोरिटी दी जाती है। क्यों, आपको ऐसा नहीं लगता? बॉलीवुड फिल्में तो कॉपी की रेस में आजकल सबसे आगे बताई जा रही है, लेकिन अगर बात करी जाए साउथ की फेमस फिल्म KGF सीरीज की, तो दोस्तों वो भी एक हॉलीवुड फिल्म की ही कॉपी बताई जा रही है जिसका नाम मैड मैक्स 2 है और जिसकी कहानी KGF से लगभग काफी सिमिलर बताई जा रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि KGF 3 की कहानी इसी हॉलीवुड फिल्म की सीक्वल से मैच होगी, जिससे आने वाली पार्ट 3 की कहानी में सिर्फ उसका प्लॉट ही चेंज होगा और बाकी की जो स्टोरी लाइन है वो सेम ही मानी जा रही है। KGF 3 के प्लॉट को जहां तक हम गेस कर रहे हैं वो ये भी हो सकता है कि रॉकी फिल्म में वापसी करे, जिसके कारण फिल्म में एक नई हीरोइन के भी आने के संकट नजर आ रहे हैं। दोस्तों, फिल्म में एक नई टेक्निक के VFX का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको मेकर्स फिल्म रिलीज के कुछ महीने पहले ही ट्रेलर के द्वारा डिस्क्लोज करेंगे, ताकि फिल्म के प्रति लोगों की जो क्यूरियोसिटी है वो बनी रहे। और ज्यादा नए की बात करी जाए तो फिल्म में एक नए हीरो की भी एंट्री की खबरें हमें सुनने को मिल रही है, क्योंकि फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो काफी वास्ट बताई जा रही है, जिसके कारण डायरेक्टर को एक नए हीरो की जरूरत पड़ सकती है। क्यों आज भी साउथ और बॉलीवुड मूवीज में कंपैरिजन होता आ रहा है? क्यों बॉलीवुड एक्ट्रेस अप्रोच कर रही है KGF 3 को? क्या एक बार फिर मौनी रॉय की एंट्री हो सकती है मूवी में? वेल माय लवलीज, आज की न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपके फायदे की बात लाई हूँ। तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। सो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बेटर बेस्ट, और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है KGF 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साउथ के सुपरस्टार यश इन दिनों KGF 3 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने कंफर्म किया था कि KGF 3 पर काम चल रहा है। इस पार्ट में एक बार फिर यश रॉकी के किरदार में नजर आएंगे। अब हाल ही में आई खबरों के मुताबिक इस मूवी के तीसरे पार्ट के लिए मेकर्स एक नई एक्ट्रेस की तलाश शुरू करेंगे। हालांकि मूवी के लिए कास्टिंग प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि KGF 3 में यश के साथ काम करने के लिए कई बॉलीवुड एक्ट्रेस पहले से ही मूवी के मेकर्स को फिलर्स भेज रही हैं। RRR और KGF जैसी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस को देखते हुए अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एक सफल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। कुछ
A-list और B-town actresses ने अब KGF के makers को यश के opposite cast होने में अपना interest share करते हुए fillers भेजे हैं। बॉलीवुड से रवीना टंडन और संजय दत्त KGF 2 में लीड रोल में और मोनी रॉय KGF 1 में एक स्पेशल नंबर में नजर आई थी। मेकर्स निश्चित रूप से KGF 3 में यश के अपोजिट रोल के लिए एक बड़ी A-list बॉलीवुड स्टार को लेने पर विचार कर रहे हैं। बहुत चांसेस है कि इस बार हमें मोनी रॉय यश के अपोजिट नजर आ सकती है। KGF के पहले पार्ट में मोनी रॉय भले ही बस डांस नंबर में नजर आई थी, लेकिन उनकी केमिस्ट्री रॉकी के साथ खूब जमी थी। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस को ये जोड़ी एक हॉट जोड़ी लगी थी, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि इस बार मोनी रॉय को मेकर्स KGF के तीसरी फ्रेंचाइज में कास्ट कर सकते हैं। हालांकि मेकर्स की ओर से जल्द ही कलाकारों की अनाउंसमेंट किए जाने की संभावना नहीं है। फिलहाल मूवी की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है। इससे पहले फ्रेंचाइजी के मेकर्स ने कहा था कि तीसरे पार्ट का स्केड्यूल प्रशांत नील और यश की डेट्स पर निर्भर है। यश और प्रशांत दोनों इस समय अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। वहीं मेकर्स के तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट करने के बाद ऐसी अफवाहें आ रही है कि इस पार्ट के लिए मेकर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया है। KGF 2 में श्रीनिधि शेट्टी के किरदार को मृत दिखाया गया था, जिससे एक और एक्ट्रेस के तीसरे पार्ट में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में हमने कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को साउथ सिनेमा में हाथ आजमाते देखा है। दीपिका पादुकोण अपनी पहली पैन इंडिया मूवी में प्रभास के साथ दिखाई देंगी। दूसरी ओर कृति सैनन भी आदिपुरुष में प्रभास के साथ नजर आएंगी। बता दें कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। सिर्फ हिंदी बेल्ट से ही मूवी ने 430 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड बिजनेस किया था। वहीं मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब 1250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस मूवी को 14 अप्रैल 2022 को हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। कुछ दिनों पहले दिए गए एक इंटरव्यू में रॉकी भाई यानी यश ने बताया था कि मूवी के तीसरे पार्ट में और भी ज्यादा धमाकेदार सीन्स होंगे। यश ने कहा था कि अभी रॉकी की जिंदगी और इसकी कहानी बहुत कुछ है जो तीसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा था, मैंने और प्रशांत ने KGF 3 के लिए काफी सारे सीन्स सोचे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम चैप्टर 2 में नहीं कर सकते थे। क्यों बॉलीवुड एक्ट्रेस अप्रोच कर रही हैं KGF 3 को? क्या एक बार फिर मोनी रॉय की एंट्री हो सकती है मूवी में? वेल माय लवलीज, आज की न्यूज शुरू करने से पहले मैं आपके फायदे की बात लाई हूँ। तो अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। सो गाइस, मैं अपर्णा सिन्हा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड, बेटर, बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज एक बार फिर से मेरे हाथ लग चुकी है KGF 3 मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो बस देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साउथ के सुपरस्टार यश इन दिनों KGF 3 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। कुछ दिनों पहले ही मेकर्स ने कंफर्म किया था कि KGF 3 पर काम चल रहा है। इस पार्ट में एक बार फिर यश रॉकी के किरदार में नजर आएंगे। अब हाल ही में आई खबरों के मुताबिक इस मूवी के तीसरे पार्ट के लिए मेकर्स एक नई एक्ट्रेस की तलाश शुरू करेंगे। हालांकि मूवी के लिए कास्टिंग प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि KGF 3 में यश के साथ काम करने के लिए कई बॉलीवुड एक्ट्रेस पहले से ही मूवी के मेकर्स को फिलर्स भेज रही है। RRR और KGF जैसी फिल्मों की बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस को देखते हुए अब बॉलीवुड एक्ट्रेसेस एक सफल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। कुछ A-list और B-town actresses ने अब KGF के मेकर्स को यश के अपोजिट कास्ट होने में अपना इंटरेस्ट शेयर करते हुए फिलर्स भेजे हैं। बॉलीवुड से रवीना टंडन और संजय दत्त KGF 2 में लीड रोल में और मोनी रॉय KGF 1 में एक स्पेशल नंबर में नजर आई थी। मेकर्स निश्चित रूप से KGF 3 में यश के अपोजिट रोल के लिए एक बड़ी A-list बॉलीवुड स्टार को लेने पर विचार कर रहे हैं। बहुत चांसेस है कि इस बार हमें मोनी रॉय यश के अपोजिट नजर आ सकती है। KGF के पहले पार्ट में मोनी रॉय भले ही बस डांस नंबर में नजर आई थी, लेकिन उनकी केमिस्ट्री रॉकी के साथ खूब जमी थी। और सबसे बड़ी बात, ऑडियंस को ये जोड़ी एक हॉट जोड़ी लगी थी, तो बहुत पॉसिबिलिटीज है कि इस बार मोनी रॉय को मेकर्स KGF के तीसरी फ्रेंचाइज में कास्ट कर सकते हैं। हालांकि मेकर्स की ओर से जल्द ही कलाकारों की अनाउंसमेंट किए जाने की संभावना नहीं है। फिलहाल मूवी की स्क्रिप्ट पर अभी काम चल रहा है। इससे पहले फ्रेंचाइजी के मेकर्स ने कहा था कि तीसरे पार्ट का स्केड्यूल प्रशांत नील और यश की डेट्स पर निर्भर है। यश और प्रशांत दोनों इस समय अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं।
वहीं मेकर्स के तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट करने के बाद ऐसी अफवाहें आ रही हैं कि इस पार्ट के लिए मेकर्स ने ऋतिक रोशन को अप्रोच किया है। केजीएफ 2 में श्रीनिधि शेट्टी के किरदार को मृत दिखाया गया था, जिससे एक और एक्ट्रेस के तीसरे पार्ट में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में हमने कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को साउथ सिनेमा में हाथ आजमाते देखा है। दीपिका पादुकोण अपनी पहली पैन इंडिया मूवी में प्रभास के साथ दिखाई देंगी। दूसरी ओर कृति सैनन भी आदिपुरुष में प्रभास के साथ नजर आएंगी। बता दें कि प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। सिर्फ हिंदी बेल्ट से ही मूवी ने 430 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिकॉर्ड बिजनेस किया था। वहीं मूवी ने वर्ल्ड वाइड करीब 1250 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस मूवी को 14 अप्रैल 2022 को हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। कुछ दिनों पहले दिए गए एक इंटरव्यू में रॉकी भाई यानी यश ने बताया था कि मूवी के तीसरे पार्ट में और भी ज्यादा धमाकेदार सीन्स होंगे। यश ने कहा था कि अभी रॉकी की जिंदगी और इसकी कहानी बहुत कुछ है जो तीसरे पार्ट में दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा था, मैंने और प्रशांत ने केजीएफ 3 के लिए काफी सारे सीन्स सोचे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम चैप्टर 2 में नहीं कर सकते थे, इसलिए हम चाहते हैं कि बहुत सारी संभावनाएं हैं और ढेर सारे कमाल के सीन्स हैं जिन्हें हम चैप्टर 3 में लेकर आने वाले हैं। शर्ट से पहले कौन था केजीएफ का रूलर, क्या है सिलिकोसिस और कैसे है ये रिलेटेड केजीएफ से, और कैसे केजीएफ का प्लॉट महाभारत से मिलता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं पूर्णिमा। आज मैं इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आप सबको दूंगी। केजीएफ की जब भी बात होती है तो प्रशांत नील की बनाई हुई फिल्म हमें याद आती है। तमिल लोग होंगे हमारे देश में जिन्हें पता होगा केजीएफ जिससे प्रशांत ने फिल्म बनाई है वो किससे रिलेटेड है, इसलिए आज हम इस जगह से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वैसे तो ये बात हम सभी जानते हैं कि कर्नाटक के कोलर में केजीएफ से रिलेटेड कितनी हिस्ट्री छुपी है। केजीएफ हमारे देश और उसकी हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ बताती है। एक वक्त था जब ये माइन हमारे देश को गोल्ड प्रोवाइड किया करती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ से सारा सोना लूट लिया और देश छोड़कर चले गए। इंडियन गवर्नमेंट ने केजीएफ को 2001 में ही बंद करवा दिया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि यहाँ पर अभी भी गोल्ड मौजूद है। ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे डीपेस्ट माइन है। पहली डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में है। केजीएफ ने ब्रिटिशर्स से पहले हमारे देश के बहुत सारे राजाओं का शासन देखा है। जी हाँ, गंगास से लेके छोला सक सभी ने केजीएफ पर राज किया है। तो आइए जानते हैं आखिर किन राजाओं की शोभा बढ़ा गई थी ये माइन। रूलर्स की बात की जाए तो हमारे देश में बहुत से राजा थे जिन्होंने इस माइन पर राज किया है। नवाब से लेकर मराठा तक सभी ने हमारे हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। वहीं केजीएफ पर राज करने वालों में से होसलास, छोलास और गंगास तो शामिल थे ही, साथ ही निजाम ऑफ हैदराबाद से लेकर हैदर अली तक ने एक वक्त में केजीएफ पर राज किया है। वहीं जब ब्रिटिशर्स आए तो ना ही सिर्फ केजीएफ बल्कि मैसूर स्टेट को भी अपने कब्जे में कर लिया। एक वक्त ऐसा भी था जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिए गए एक लोन की सिक्योरिटी के लिए इस गोल्ड माइन को वर्ल्ड बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। खैर, ये तो सच है कि जिस केजीएफ से ज्यादातर लोग अनजान थे वो प्रशांत की वजह से अब इस बारे में जानते हैं। इस माइन की अपनी खासियत है, वैसे तो एक माइन होने की वजह से इसने कई बीमारियों को भी वेलकम किया था, और उस बीमारी में से एक बीमारी थी सिलिकोसिस। शायद आप में से बहुतों को यह पता नहीं होगा कि सिलिकोसिस एक लंग डिजीज है जो माइनिंग के दौरान निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर यानी पोल्यूटेड सब्सटेंस को इनहेल करने से होती है। ये डिजीज सबसे पहले केजीएफ में पाया गया था। उस वक्त माइनिंग के दौरान केमिकल्स के हवा में रिलीज होने से कई लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि आज भी उसका असर है, भले ही इस माइन को बंद हुए 1 साल हो चुके हैं। वहीं कुछ लोगों को ये बात नहीं पता थी कि केजीएफ का प्लॉट महाभारत से मिलता है, और जिन लोगों ने इस बारे में सुना भी था उनको भी कोई अंदाजा नहीं था। यही कारण है कि आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। केजीएफ फ्रेंचाइज की पहली फिल्म का प्लॉट महाभारत से इंस्पायर्ड था, जिसमें रॉकी अपने कैरेक्टर की इंस्पिरेशन करना भगवान राम और राजा बलि से लेता है। ये लोग मसीहा थे, साथ ही सभी गरीबों के लिए दानवीर थे और लोगों के प्रोटेक्टर भी थे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख रॉकी का कैरेक्टर क्रिएट किया गया था। हालांकि रॉकी कहीं से भी भगवान राम की तरह मॉरल्स पर चलने वालों में से तो नहीं लगता, वो बदले में विश्वास करता है। उसकी ये आदत पूरी दुनिया को ब्लाइंड ही क्यों ना कर दे, पर रॉकी फिर भी वही करेगा जो उसे ठीक लगेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें,
साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। कौन से थे वो क्राइम्स जिन्होंने रॉकी को बनाया मोस्ट वांटेड? रामिका को कैसे मिला रॉकी के जिंदा होने का सबूत? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म KGF के बारे में। KGF 2 के क्लाइमैक्स में हम देखते हैं कि रॉकी ने 3 कंट्रीज की नेवी को इंडियन ओशन में बुलाया। अब रॉकी जैसा इंसान कुछ भी बिना सोचे तो नहीं करेगा, तो उसने ऐसा क्यों किया? ये बात हमें सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर देती है। तो आपको बता दे कि रॉकी ने इंडियन नेवी को फैक्स किया था कि वो चाहता था कि इंडियन नेवी उसको डूबता देखे और इंडिया में सबको ये लगे कि वो मर गया है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। रामिका ने मान लिया कि रॉकी मर गया है और उसकी फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। दूसरी तरफ इंडोनेशियन नेवी को रॉकी ने फैक्स किया था कि उसने जो भी सोना इंडोनेशिया से चुराया है वो सब लेके वो इंडियन ओशन में है और वो उस सोने को वापस करना चाहता है। और रॉकी के समंदर में कूदने के बाद इंडोनेशियन नेवी अपना सारा गोल्ड लेकर वापस चली जाती है, जिससे रॉकी पर लगा चोरी का केस हट जाता है। और आखिरी में रॉकी US नेवी को फैक्स करता है कि वो सरेंडर करना चाहता है, और जब तक US नेवी वहां पहुंचती है तब तक रॉकी डूब चुका होता है। इसीलिए USA में भी उस पे लगे सारे केसेस हट जाते हैं। तो ये सबको फैक्स करना रॉकी का मास्टर प्लान था, ना कि कोई जज्बात में बहकर लिया हुआ फैसला। रॉकी के 16 कंट्रीज में क्राइम्स की फाइल रामिका के पास आती है। तो ये जानना दिलचस्प है कि आखिर रॉकी ने ऐसे कौन कौन से क्राइम्स किए थे। तो आपको बता दे दोस्तों कि रॉकी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके इंडोनेशिया के सेंट्रल बैंक से गोल्ड की चोरी की थी, और फरमान की मदद से उस गोल्ड को अलग अलग कंट्रीज के बैंक में छुपा दिया था। रॉकी सिर्फ गोल्ड ही नहीं, एनर्जीज का बिजनेस भी सेटअप करना चाहता था, क्योंकि उसमें भी बेशुमार पैसा था। इसीलिए उसने US में बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा और वहां से इलीगल तरह से एनर्जीज को ट्रेड किया। इसीलिए CIA रॉकी के पीछे पड़ी हुई थी, और इस सब में उसकी मदद की थी फरमान ने, और वो नहीं चाहता था कि फरमान को इन केसेस से दूर रखना। इसीलिए उसने फरमान को छुपा के रखा। मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि रामिका सेन के पास एक कॉल आता है, जिसके बाद वो एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। अब इस बात की क्यूरियोसिटी तो सबको होगी, तो ऐसा क्या हुआ कि रमिका को एकदम एक्शन लेना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि रमिका को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा? तो हुआ कुछ यूं कि रमिका ने KGF को सील करने के लिए एक टीम भेजी थी, जहां से उसको एक ऑफिसर का फोन आता है कि रॉकी की माँ की अस्थियां जमीन के अंदर दफन थी और अब वो वहां नहीं है। इसका यही मतलब है कि रॉकी अभी मरा नहीं है, क्योंकि उसके अलावा किसी को नहीं पता था उन अस्थियों के बारे में। इसी वजह से रामिका एकदम एक्शन में आ जाती है, और अब हम ये देखना चाहेंगे कि आगे KGF 3 में क्या होता है। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि रॉकी का प्लान कितना सफल होगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। तो इसका है रॉकी को डर, कौन है असली दुश्मन रॉकी का, क्या है मेकर्स की राय फिल्म विलेंस के ऊपर? तो मेरे प्यारे दर्शक, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जिनको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सब कहते हैं कि अपने कर्मों का फल सबको मिल जाता है, फिर चाहे बात करी जाए अपनी रियल लाइफ की या किसी भी फिल्म के बड़े से बड़े विलन की। तो दर्शक, आपको क्या लगता है कि फिल्म KGF 3 के रॉकी को भी उसके कर्म का फल मिल चुका है, और क्या जो भी KGF 2 के अंत में हुआ वो सही है? क्योंकि दर्शकों, जहां तक हम सब रॉकी को जानते, उसने KGF के लोगों के लिए बहुत कुछ करा है, जिस कारण ही वो सब रॉकी को अपना भगवान मान लेते हैं। लेकिन जो भी KGF 2 के आखिर में हुआ, वो तो हम सबको यही अंदेशा देता है कि रॉकी मिसाइल अटैक में मारा जाता है। तो क्या ये मूवी का अंत KGF में रहने वाले लोगों की उम्मीदों का भी अंत होगा?
ये जानने के लिए आप सबको 2024 तक का इंतजार करना होगा। दर्शकों, हमें ये तो पता है कि मूवी में रॉकी भाई के काफी सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन उनमें से वो कौन होता है जिससे रॉकी को सबसे ज्यादा डर लगता है? तो ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ऐसी कई सारी फिल्मों से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स का लुफ्त उठाएं। तो दर्शकों, ये विलन और कोई नहीं बल्कि अधीरा है, जिसने रॉकी की बीवी को उसके सामने मार दिया था। फिल्म में अधीरा का रोल करने वाले संजय दत्त भी ये कहते हैं कि उन्होंने अधीरा से खतरनाक विलन आज तक किसी भी फिल्म में पहले नहीं देखा और ना ही उन्होंने कभी ऐसा कोई चैलेंजिंग रोल किया है जिसके लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है। वो ये भी बताते हैं कि फिल्म में जितने भी विलन्स दिखाए गए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा नुकसान अधीरा ने ही पहुंचाया था। रॉकी को तो पहले वही रॉकी का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा था, पर रमिका सेन ने फिल्म में एंट्री लेके पूरा तख्ता पलट ही कर दिया, जिससे विलन्स की रेस में अब वो सबसे आगे और सबसे खतरनाक है। फिल्म मेकर्स का ये मानना है कि रमिका का कैरेक्टर बहुत ही टैक्टफुली अपने सारे काम करता है, क्योंकि देश की सारी पावर्स उसके हाथ में होती है, जिसको वो जब चाहे यूज या मिसयूज कर सकती है। मेकर्स ये भी बताते हैं कि अधीरा का कैरेक्टर एक बहुत ही ताकतवर बनाया गया है, जिसके अंदर डर का नामो निशान नहीं होता है। वो बताते हैं कि ये सारे विलन्स जो फिक्शनल लिखे जाते हैं, एक्चुअल में वो सब हीरो को मद्देनजर रख के बनते हैं, जिससे हीरो का रोल स्क्रीन पर और चैलेंजिंग बन जाता है। तो दोस्तों, ये बताइए कि कैसा लगा आपको डायरेक्टर की इस विलन हीरो थ्योरी के बारे में? क्या प्रभास और यश दिखेंगे एक साथ? आखिर कितने करोड़ का कलेक्शन करेगी KGF 3? किस कृतिक की भविष्यवाणी को किया लोगों ने ट्रोल? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। शायद ही कोई ऐसा होगा जो सुपरस्टार यश और प्रभास को नहीं जानता होगा। ये दोनों ही साउथ के दो बहुत बड़े नाम है। अगर हम ये कहें कि इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी है, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जहां एक तरफ प्रभास ने अपनी बाहुबली सीरीज से दर्शकों का दिल जीता, तो वहीं दूसरी ओर यश ने भी सारी जनता को KGF का दीवाना बना दिया। अब आप खुद ही इमेजिन करिए, अगर ये दोनों सुपरस्टार एक साथ एक पर्दे पर देखने को मिले, तो वो मंजर कैसा होगा? जी हाँ दोस्तों, आपकी ये इमेजिनेशन सच होने वाली है। बहुत जल्द आप प्रभास और यश को एक साथ स्क्रीन शेयर करते हुए देखेंगे। दरअसल अगर आपको KGF 2 का एक कैरेक्टर फरमान याद हो, जिसने फिल्म के सबसे बड़े खलनायक अधीरा से पंगा लिया था, जिसके बाद वो बेचारा मारा जाता है, लेकिन फिल्म में उसकी मौत क्लियरली नहीं दिखाई जाती है। और अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि यही फरमान बड़ा होकर के प्रभास बनता है। दरअसल प्रभास की अपकमिंग मूवी सलार है, तो हो सकता है अब डायरेक्टर प्रशांत नील अपने इस फिल्म को मल्टी यूनिवर्स बनाने के चक्कर में सलार और KGF को एक साथ जोड़ दे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो बस वक्त ही बता सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला देगी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जैसे ही कोई नई मूवी आने वाली होती है, कुछ फिल्म क्रिटिक्स अपने प्रेडिक्शंस करने शुरू कर देते हैं, और अगर उनकी प्रेडिक्शन इलॉजिकल होती है, तो जनता उन्हें ट्रॉल करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। ऐसा ही एक बार फिर हुआ है। जी हाँ, और इस बार ये फिल्म क्रिटिक है KRK, यानी कमाल रशीद खान उर्फ KRK। अपने व्यूज की वजह से ज्यादातर ट्रोल होते हैं ये, और इस बार उन्होंने KGF 3 के कलेक्शन को लेकर ऐसा कुछ कहा कि लोगों ने उनकी काफी टांग खिंचाई की। दरअसल KRK ने ट्वीट कर कहा कि KGF 3500 करोड़ तक कमाई करेगी, जिसके बाद से ही लोग उनको ट्रोल करने लगे। और एक यूजर ने तो ये भी कहा कि सर ब्रह्मास्त्र कितना करेगी, और वहीं दूसरे ने KRK की डायरेक्शन में बनी सुपर फ्लॉप फिल्म देशद्रोही को लेकर कहा कि सर देशद्रोही कब आएगी, और अगर आएगी तो $5 ट्रिलियन तक का कलेक्शन तो कर ही लेगी। फिलहाल अब हम
जानना चाहेंगे कि आप केजीएफ 3 को लेकर कितने एक्साइटेड हैं। कहां छुपा है रॉकी? समुद्र से कहां गायब हो गया रॉकी? कौन सा ऑफिसर करेगा रॉकी की मदद? हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दें। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। चलिए अब आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। केजीएफ 2 की एंडिंग में हमने देखा था कि रॉकी सारे गोल्ड्स को लेकर समुद्र में डूब गया था और 16 देशों की पुलिस उसके पीछे थी। सबको लगा था रॉकी का दी एंड हो गया। केजीएफ 3 की कहानी यहीं से शुरू होगी, क्योंकि रॉकी ने एक नई जगह पर पहुंचने के लिए समुद्र के रास्ते को चुना, जिसके कारण उसने यूरोप, अमेरिका और इंडोनेशिया के गवर्नमेंट को पहले ही फैक्स कर दिया था। डूबने के बाद रॉकी गहराई में बहता हुआ समुद्र में काफी नीचे तक आ गया। फिर वहां से उसने किसी चीज जैसे सीढ़ियां उतरते हुए सहारा लेते हुए चलना शुरू कर दिया और एक काफी अंधेरी वाली जगह से होते हुए एक ऐसी जगह निकला जहां कुछ वर्दी में ऑफिसर और बहुत सारी बड़ी बड़ी कारें खड़ी हैं। रॉकी ने ऑफिसर से हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक्स फॉर कमिंग। ऑफिसर के साथ जाते हुए रॉकी ने एक फोन मिलाया। उधर लैंडलाइन फोन पर घंटी बज रही है। तब तक आदमी फोन की तरफ आता है और फोन को स्पीकर पर करके पूछता है, पहुंच गए रॉकी भाई? तब तक मुस्कुराते हुए रॉकी कहता है, हाँ सेक्रेटरी साहब। अब आप थोड़ा पास्ट में जाइए, जहां रामिका के पीछे खड़ा सेक्रेटरी कहता है कि इनकी माइंड से हमारे अकाउंट में भी फंड आता है। वहीं सेक्रेटरी रामिका के डर से दीवार पर ऊंची लगी घड़ी में भी सेल चेंज कर देता है। कहानी आगे बढ़ती है। रॉकी ने फोन पर पूछा, सब ठीक है? सेक्रेटरी ने कहा, कंट्रोल में है, दोनों फोन पर ही हैं और आसपास में बातें हो रही थी कि मैंने सबको एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। रॉकी फोन काट देता है और गाड़ी की तरफ जाता है। इधर केजीएफ के सभी लोग एक बड़ी सी 20 से 30 मंजिला मिल में घुसते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं, जिसके दरवाजे के ऊपर लगे बड़े से बोर्ड पर लिखा है आशियाना। सभी लोग मिल में घुसते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ सोना ही सोना है। वहीं दो मजदूर औरतें आपस में बात करती हैं कि हम जानते हैं कि हमारा मसीहा भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इधर ऑफिसर ने काफ़ी रिस्पेक्टिवली रॉकी को गाड़ी में बिठाया और रॉकी बड़ी शानदार गाड़ी में बैठकर आगे की तरफ निकल गया। फिर रॉकी एक बड़े से विला में पहुंचता है, जहां अंदर जाने पर वह एक कमरे में जाता है जिसके चारों तरफ ब्लैक कमांडो खड़े होते हैं। रॉकी कमरे में बालों को ताव देता हुआ घुसता है और चारों तरफ नजरें घुमाता है और एक दीवार के पास जाकर छूकर खुद से बोलता, अलग ही महक है। फिर वही पास खड़ी अलमीरा की तरफ बढ़ता है और माँ की तस्वीर निकाल कर उसे दीवार पर टांग देता है और बाहें फैलाकर कहता है, सब तेरा है माँ। और फिर पीछे मुड़कर वॉयलेंट अंदाज में कहता है, पिक्चर अभी बाकी है। उधर मिल रहे सोने को कासिम चाचा ने फिर से मुंबई के रास्ते भेजना शुरू कर दिया। बड़े बड़े सोने के लदे जहाज अलग अलग कंट्रीज में पानी के रास्ते भेजे जाने लगे। ऐसे होते 6 महीने बीत गए और वो 20-30 मंजिला इमारत ऐसी 2-3 इमारतों में तब्दील हो गए। मजदूरों को उनके अपने घर रहने को मिल गए, उनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल्स में जाने लगे, लेकिन किसी ने भी मजदूरी करना नहीं छोड़ा। स्टाफ को बढ़ा दिया गया, लेकिन एक रोज अमेरिका की पुलिस को खबर मिली कि भारत से सोना अमेरिका और अमेरिका से सोना दुबई इलीगल तरीके से जा रहा है, जिसकी खबर अमेरिका की पुलिस ने रामिका को दी। और ये सुनते ही रामिका के दिमाग में पहला ख्याल रॉकी का आया, लेकिन उसने मन में सोचा, वो तो पिछले 6-7 महीने पहले ही मर गया था। रामिका ने अमेरिका पुलिस को 2 दिन के लिए हाई अलर्ट करने को बोल दिया। साथ ही गोल्ड स्मगलिंग की खबरें टीवी पर चलने लगी और साथ ही बड़ी बड़ी मैगजीन और न्यूज़पेपर में भी छपनी शुरू हो गई। मैगजीन वालों ने गोल्ड मैन, मोस्ट वांटेड, एक और मॉन्स्टर के नाम से आर्टिकल छापने शुरू कर दिए।
यह सभी आर्टिकल रॉकी को पढ़ने को मिल जाते, वो सब पढ़कर काफ़ी खुश होता। एक आर्टिकल को बार बार पढ़ता। उधर अमेरिका में हुई हाई अलर्ट ने कासिम चाचा की मुसीबतें बढ़ा दी थी, क्योंकि सोने का इधर उधर जाना रुक गया था, लेकिन अमेरिका या किसी भी देश की पुलिस को रॉकी अभी तक नहीं मिला था। तो आपको क्या लगता है, कहाँ छुपा था रॉकी? क्यों कोई भी देश नहीं ढूंढ पा रहा था रॉकी को? क्या केजीएफ 3 में मिल पाएगा या होगा केजीएफ चैप्टर 4 का आगाज? रवीना करेगी वापसी। रवीना टंडन चाहेंगी केजीएफ 3 का हिस्सा बनना। फैंस ने बरसाया था रवीना पर प्यार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोस। कुछ एक्टर्स होते हैं जिनका एक जमाना होता है, जो सिर्फ एक ही समय में काफी ज्यादा हिट रहे, लेकिन उसके बाद उनकी वो रौनक खत्म हो गई और उनके फिल्में भी उतनी अच्छी परफॉर्म करना बंद कर गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं जिन्होंने सदियों से ऐसी फिल्में दी है जो कि सबकी पसंदीदा रही है, और वो हर दशक में, हर फिल्म में, हर किरदार में सबके फेवरेट बने हैं। ऐसे ही एक अदाकारा जिन्होंने जीता है हम सबका दिल, वो है रवीना टंडन। जी हाँ, 90s में बॉलीवुड पर राज करने वाली रवीना टंडन का जलवा समय के साथ खत्म ही नहीं हो रहा। एक टाइम ऐसा था जब उन्होंने अपनी फिल्मों में अपने जलवे से और अपने ग्लैमर से हमें ऐसी फिल्में दी थी जिसके सब दीवाने थे। वहीं आज के समय में उनके बदलते दशक और बदलती हुई फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी उन्होंने हमें ऐसी बहुत सारी फिल्में दी है जो फैंस की काफी पसंदीदा रही है। उनके बहुत किरदार ऐसे रहे हैं जो फैंस जिंदगी भर याद रखते हैं, और उनमें से ही एक किरदार है उनका केजीएफ 2 में रमिका सेन का। आपको बता दें कि रमिका सेन के किरदार में रवीना टंडन ने ऐसी पावरफुल परफॉर्मेंस दी थी जिसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। केजीएफ 2 एक सुपरहिट फिल्म रही है जिसने अपनी कमाई से इतनी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े हैं कि आज तक उसका कोई टक्कर नहीं दे पाया। और आपको बता दें कि केजीएफ फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म भी अब जल्द ही आने वाली है। प्रशांत नील, जिन्होंने पहले केजीएफ को सिर्फ दो हिस्सों में बनाना था, अपने हाल ही के इंटरव्यू में ऐसे हिंट्स दिए हैं कि यह फिल्म अपने तीसरे पार्ट के साथ वापसी करेगी, और इस बार फिर से रवीना टंडन भी वापसी करेंगी। आपको बता दें कि रमिका सेन का किरदार इतना ज्यादा हिट इसलिए भी रहा क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल औरत का किरदार था, और रवीना टंडन ने इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे किरदार निभाए हैं, तो ये तो मानिए उनकी एक्सपर्टाइज बन चुकी है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या केजीएफ के तीसरे हिस्से में भी रमिका सेन के इस किरदार के साथ रवीना टंडन करेगी फैंस को इम्प्रेस। क्या होगी वो कहानी जिसमें फिर से हमें मिलेंगे रॉकी भाई और रमिका सेन के बीच में देखने को एक जंग? ये सब के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा इंतजार, लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत नील अपने इस खतरनाक अंदाज और रवीना टंडन के साथ जब भी कोलैबोरेट करते हैं तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंसेस हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिलती है, और इसी परफॉर्मेंस को देखने के लिए फैंस को भी है केजीएफ 3 का इंतजार। आपको बता दें कि केजीएफ 2 फिल्म को बड़ी लेवल पर बनाया जा रहा है। इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा था।